ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم. मोहतरम मशाइख इज़ाम उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और तलबा अज़ीज़ान मिल्लत ख़वातीन हज़रात और सामईन नाज़रीन, आपको मालूम है अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफीक से उसके इज़्न से हम शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर और शान सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मौजू पर एक सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी अज़मत और उनके नामूस पर होने वाले नाजायज़ मताइन एतराज़ात और इत्तेहामात का भी साथ तज़िया कर रहे हैं ताकि उसका शाफ़ी वाफ़ी जवाब मुयस्सर आए और ज़हनों में पैदा होने वाले इश्कालात रफ़ा हो सके। और बार बार मैं इस अमर का तज़किरा करता हूँ कि मेरा मकसूद उम्मत के मकातिब फ़िक्र में एतदाल पैदा करना है बाहमी रवादारी के साथ, लिव एंड लेट लिव, पीसफुल लिविंग का एटमोसफियर पैदा करना है और हर दो तबकात को अहले सुन्नत हों या अहले तशय्यो उनके अंदर बाज़ लोगों की वजह से जो इंतहा पसंदाना रुझानात जन्म लेते और वो तमाम मसालिक के जुमला अफराद पर असरअंदाज होते उनसे उन्हें महफूज करना है। और इंतहा पसंदाना अकायद पेश करके उम्मत के जहनों में इंतशार और इफ्तिराक पैदा करने और बढ़ाने की काविश करने वालों को भी बेनकाब करना है। ये बात जहन नशीन करें कि जब इंतहा पसंद पैदा होते हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक ही नुक्ता नज़र और मकतब फिक्र रखने वालों में पैदा होंगे और हर कोई ये समझे कि हमारे मसलक में तो कोई इंतहा पसंद नज़रियात वाला नहीं है, हमारे उलमा या खुतबा या वाइज़ीन या ज़ाकिरीन जो कुछ कहते हैं वो तो 100% दुरुस्त है, दूसरों के हाँ इंतहा पसंदी भी है और इत्तेहामात भी हैं और हकायक की नफ़ी और इनकार भी है। अगर ये सोच पैदा हो, आप सोचिए तो हर मकतब फ़िक्र जब ये सोचे कि मैं तो मेरी तो बात मेरे मसलक के तो हर आलिम हर जाकिर हर मुबल्लिग की बात 100% दुरुस्त है और जो कुछ मुझे पहुंचा है वो 100% हक है, दूसरे मसलक में सारी इंतहा पसंदी है गलती है, अगर यूं सोचने लगेंगे तो आप बताइए गैर जानिबदार होकर मुनसिफाना तबीयत के साथ हक की तलाश कैसे मुमकिन होगी और एतदाल की राह उम्मत को कैसे नसीब होगी।
मुझे इस अमर में कोई शक नहीं है कि इंतहा पसंद दोनों मसलकों में घुस आए हुए हैं एक अरसा से। अगर अहले सुन्नत वल जमात में खारजियों ने जगह पा ली है और अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ लिया है और अपने खारजी अकायद अहले सुन्नत के अकीदा के नाम पर फरोग देते हैं और इंतहा पसंदी पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत, उनकी ताजीम व तकरीम का वो जज्बा जो हुआ करता था उसमें उन्होंने हर एक पर तो असरअंदाज नहीं हुए मगर बेशुमार हलकों में असर डाला है, उसको मद्दम किया है उस शुआ को। मुझे मालूम है कि अहल सुन्नत के यहाँ मुहर्रम उल हराम में सीदना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के तज़किरे बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, गम हुज़्न के साथ, तीन तीन दिन तो कम अज़ कम होते थे। अहले तशय्यो तो पूरे 10-12 दिन अपनी मजालिस करते थे, मगर अहले सुन्नत की कोई मस्जिद पूरे मुल्क में, अहले सुन्नत वल जमात की कोई मरकज नहीं होता था जो तीन तीन दिन तक तज़किरा इमाम हुसैन और शहादत इमाम हुसैन के जिक्र से खाली। आज मैं देखता हूं पूरे मुल्क की जमी मसाजिद में जाएं, वो कैफियत जो आज से 40 बरस पहले, 50 बरस पहले, 100 बरस पहले, फिर 30 बरस पहले, 25-20 बरस पहले तक थी, वो कैफियत आज नहीं है। क्या कहेंगे इसको, अहले सुन्नत में अवेयरनेस आ गई है ज्यादा, उन्होंने अपने आप को तशय्यो से पाक कर लिया है? नहीं, मैं कहूंगा खारजियत के असरात दाखिल हुए। हर घर में अहले सुन्नत के हां, खुद मैं इस बात का गवाह हूं जाती, 7 मुहर्रम उल हराम को और 9 मुहर्रम उल हराम को खत्म होते थे, इसाले सवाब के तरह तरह के एहतमाम होते थे, सीदना अली असगर के लिए, सीदना अली अकबर के लिए, दीगर शुहदाए करबलाए मुअल्ला के लिए, 10 मुहर्रम उल हराम को इमाम आली मुकाम और जमी शुहदाए करबलाए मुअल्ला के लिए इसाले सवाब का एहतमाम होता था अहले सुन्नत के अपने तरीक पर। अब आप खुद सोचिए, घर घर वो एहतमाम अब नहीं रहा, खारजियत ने असरात दाखिल किए। अब बहुत से हलके हैं अहले बैत अतार की मोहब्बत का उस जोश व खरोश से नाम लेने में तरद्दुद करते हैं, घबराते हैं, जिस जोश व खरोश से पहले लिया जाता था। यही वजह है कि जब मैंने पिछले कई सालों से इस खारजियत के बढ़ते हुए असरात के खिलाफ एक बंद बांधने की कोशिश की, जिहाद किया, इल्मी स्ट्रगल की और मोहब्बत और अजमत अहले बैत को दोबारा लोगों के दिलो दिमाग में और अकायद में उजागर करने के लिए दलाइल दिए, एफर्ट्स की कई सालों में, तो जो लोग मुतासर हो गए थे लाशऊरी तौर पर, खारजियों की बात नहीं कर रहा, अहले सुन्नत वल जमात में जिन्हें शऊर भी नहीं कि वो मुतासर हो चुके हैं, गर्द आ चुका है, उन्होंने खुद मेरे ऊपर शिया होने के फतवे लगाए। किसी ने कहा इनके अंदर छुपी शियत आ गई है, अहले बैत का जिक्र बहुत करते हैं, ये सब कुछ क्यों होता है, अपनी मजालिस में अपने हलकात में बात करते हैं, क्यों? कि उन्हें शऊर नहीं, वो खारजियत ज़दा हो चुके हैं, इधर असरात बढ़े हैं। तो मैं अब अहले तशय्यो हजरात को यह बात समझाना चाहता हूं कि तबीयतों में इंसाफ होना चाहिए। अब जिस तरह आपको यह मेरा हिस्सा गुफ्तगू पसंद आया होगा और आपने ये, आपके दिल ने गवाही दी होगी कि बात तो मैं सच्ची कर रहा हूं, अब इस तरह अगला हिस्सा गुफ्तगू भी उसी तरह मुनसिफाना तबीयत से सुनिए। जैसे खारजियत ने अहले सुन्नत की हदूद में दाखला अपना किया है और मुतासिर करने की कोशिश की, फूट डाली, इसी तरह शिया मसलक में राफजियत दाखिल हो गई। राफजियत असल शीयत नहीं है, राफजी लोग उसी तरह हैं जैसे अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ने वाले खारजी लोग, उधर खारजी हैं इधर राफजी हैं,
जो असहाबा कराम पर सब शितम की रकर रिवाज डालते और खुलफाए राशिदीन को सिर्फ खिलाफत के इख्तलाफ तक मसले को नहीं रहने देते कि अफजल कौन था, सैयदना अली शेर खुदा या शेखैन खुलफाए सलासा या शेखैन करीमैन, खिलाफत का हकदार कौन था, इनको होना चाहिए था, इस तरह की इल्मी बात तक मसला नहीं रहने देते। उन्होंने, ये राफजियत है, शीयत असल शीयत न थी, उन्होंने खुलफाए राशिदीन को माजल्ला काफिर तक कहना शुरू कर दिया, पब्लिकली मुनाफिक कहना शुरू कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ कत्ल की साजिशें करने वाला कहना शुरू कर दिया, आका अलैहिस्सलाम के माजल्ला कत्ल और शहादत की साजिशें करने वाले, और इस तरह के कलिमात पब्लिकली कहने शुरू कर दिए। टीवीज पर, टेलीविजन पर, बरतानिया में जाइए, पिछले 6 माह से कुफ्र बका जा रहा है, जैसे खारजी अहले बैत अतहार के खिलाफ कुफ्र बकते हैं, इस तरह राफजियत दाखिल हो गई है, जिन्होंने असल शीयत को अपने असल मुस्बत बुनियादें मसलक की उससे हटाकर मनफी तखरीबी बुनियादों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और जहन असरअंदाज हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं। अब यह कौन गवारा करेगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक, खिलाफत का इख्तलाफ एक इल्मी बात है, अलग मसला रहा, अफजल और मफजूल होने की बात अलग है, इमामत की बात अलग है, अपने अपने अकायद के दायरे में हर कोई रहे तो फसाद इतना पैदा नहीं होता। उस वक्त फसाद की फिजा बनती है जब कोई सैयदना सिद्दीक अकबर को काफिर और मुनाफिक और मुर्तद कहने लगे, माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, सैयदना फारूक आजम को काफिर मुनाफिक मुर्तद कहने लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे कहने लगे, और आजकल पाकिस्तानी सियासतदानों की मिसाल देकर जैसे वो सदर या वजीर आजम के साथ अपने मफादात के लिए चिमटे रहते हैं वफादारी का लिबादा ओढ़कर ताकि बाद अज़ां मफाद उठा सकें, उनका ईमान इस तरह था जैसे सियासतदानों का ईमान होता है, उन्हें खयानत उनकी तरफ मंसूब करें, फिर उन्हें सैयदा आलम सैयदा कायनात फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेहुर्मती करने वाले, उनके दरवाजे तोड़ने वाले, उनके घर को आग लगाने वाले, उनको तमाचे मारने वाले, माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह की बातें करने लगे सैयदना फारूक आजम को, और यह बातें बताने लगे लोगों को कि आका अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक नहीं हुए और अपनी खिलाफतों और हुकूमतों में पड़े रहे। जब बात यहां तक चली जाए, ये जितने जुमले मैंने बोले हैं, अगर किसी के जहन में ख्याल आए कि कौन कहता है ये बात, तो मैंने कभी सुनी सुनाई बात नहीं की, मैंने लंदन में टीवी चैनल्स पर अपने कानों के साथ ये सारी बातें सुनी है, टीवी पर बैठकर लाखों नौजवानों उम्मत मुस्लिमा के अफराद को खिताब करते हुए मौलवी साहबान और जाकिर ये बातें कह रहे हैं, मैंने अपने कानों से सुनी, और मैंने बाज मोहब्बत करने वाले मोतदिल तबीयत के बड़े अच्छे साले मनुष्य लोगों को कहा कि खुदा के लिए इस कुफर को बंद कराएं, इंतहा हो गई, और ये किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, मैंने सुना है, और उसके बाद मेरी गैरत ईमानी ने गवारा नहीं किया कि मैं दोबारा वो चैनल ऑन करके सुन सकूं, 2-3 चैनल लगे हुए हैं इस पर टीवी के हर रोज सुबह शाम। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है, मैं नहीं समझता कि यह शीयत है, मैं शिया भाइयों को नसीहत कर रहा हूं, ये राफजियत है, जिस तरह उधर खारजियत है, अहले सुन्नत अपनी सफों को खारजियत से पाक करें और अहले तशय्यो अपनी सफों को राफजियत से पाक करें और मिलजुल कर रहना सीखें, एक दूसरे के बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना सीखें, पीसफुल लिविंग सीखें, मॉडरेट बने अपने अपने नुक्ताए नजर में, अपने मसलक और अकीदा पर रहें, मगर इस तरह के तीर न चलाएं। नतीजा क्या होगा, जब आप शीशे के घरों में बैठकर दूसरों पर पत्थर मारेंगे तो उस फिजा में फिर कुछ शीशे तो आपके भी टूटेंगे, दानिशमंदी तो नहीं है ये। अगर आप आग जलाएंगे और आग पर तेल डालते जाएंगे, तेल डालते जाएंगे औरों को जलाने के लिए, तो साथ आपके अपने कपड़े और आपका अपना घर भी जलेगा। वल्लाह, अगर मामला इल्मी इख्तलाफ तक रहता, कोई खिलाफत को मानता है कोई नहीं मानता, अपने अपने अकायद हैं, अकीदा है, इमामत है, अकीदा है, खिलाफत है,
अपने तसव्वुरात हैं, फदक के मसले पर अपने इल्मी नजरियात हैं, जैसे एक जमानों में अहले इल्म के यहां होते हैं। तो ये बात को आज से थोड़ी मेरे इल्म में आई है, मैं ये इख्तलाफात बचपन से जानता हूं, बचपन से पढ़ रखे हैं। मुझे तो 30-35 बरस हो गए ऐसे मौजूआत पर गुफ्तगू भी कभी नहीं की, मगर मामला इल्म का नहीं, उम्मत में इंतशार की आग लगाने पर आ गया और लोगों का ईमान जलाने पर आ गया। अब ये मैं जितना भी मोतदिल हूं, मुझे मालूम है और ईमानदारी से मुझे पूरी उम्र से सुनने वाले समझते हैं कि मेरी तबीयत में कितना एतदाल है, कितना तवस्सुत है और कितना रवादारी है, और मैं तफरका पसंदी का कितना दुश्मन हूं, इंतहा पसंदी का हर आदमी जानता है। मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अगर सीदना सिद्दीक अकबर और सीदना फारूक आजम को कुछ ऐसे कलिमात बरसरेआम टीवी पर जहां लाखों करोड़ों लोग पूरा यूरोप सुन रहा है और हर रोज बैठकर, यह भी नहीं एक दिन की बात है और 6 माह से मुसलसल हर रोज 6 माह, आप अंदाजा करें जब यह अमल होने लगे तो किस साहिब ईमान की गैरत ईमानी गवारा करती है। मैं अगर सुनूं, मेरे इल्म में ना आता, बात और थी, मेरे इल्म में आया, मैंने सुना कि कोई सिद्दीक अकबर को, सीदना फारूक आजम को, जिनके औसाफ कुरान बयान करता है, ताजदार कायनात बयान करते हैं, मौला अली शेर खुदा बयान करते हैं, आइमा अहले बैत बयान करते हैं, उनको जहां बैठकर आज काफिर मुर्तद कहा जा रहा है, आइमा अहले बैत में से तो किसी ने नहीं कहा था, तो यह किसका अकीदा है उनको काफिर मुर्तद जानना? मौला अली शेर खुदा ने तो नहीं कहा खुलफाए सलासा को, ये मैं डंके की चोट पर बता रहा हूं। आप हर रोज मेरे खिताबात में नहजुल बलागा, नहजुल बलागा और कुल कुतुब सुनते हैं, मौला अली शेर खुदा ने तो नहीं कहा, वो तो तारीफ करते करते थकते नहीं है, उनको इमामान हिदायत कहते हैं, दुआएं करते हैं। इमाम हसन मुज्तबा ने तो नहीं कहा यह कभी, कभी नहीं कहा, खुद शिया कुतुब में मौजूद नहीं, उनके जमाने में जो उनके अकवाल, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने तो नहीं कहा था, इमाम जैनुल आबिदीन ने तो नहीं कहा था, ये दलायल आएंगे आगे, ये मैं कबल अज वक्त बात नहीं करना चाहता, ये दलायल आएंगे कि जब आइमा अतार अहले बैत के सामने खुलफाए राशिदीन की गुस्ताखी की जाती तो वह जलाल में आ जाते। कशफुल गुम्मा उठाइए, मैं हवाला बाद में दूंगा, सीदना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने मसला पूछा, हवा ये सब्जेक्ट बाद में आएगा, मगर जस्ट बाई द वे कोट कर रहा हूं कि तलवार का जो दस्ता है उस पर जेवर चढ़ाना, मुजयन करना कैसा है? आपने फरमाया सीदना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने जायज है, कशफुल गुम्मा फी मारिफत अल आइम्मा, शिया हजरात की सबसे बड़ी मोतबर किताब है अहवाल आइम्मा पर, आइम्मा अतहार अहले बैत पर, फरमाया ये जायज है क्योंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अपने तलवार के दस्ते को मुजयन कर रखा था। उस पूछने वाले ने कूफा से आदमी आया था, आपके शिया होने का दावेदार था, और चूंकि उनके यहां गलत रिवायतें घर के आइम्मा अहले बैत की तरफ मंसूब की जाती थी, वही किताबों में दर्ज हो गई कि यह सहाबा कराम के और खुलफाए सलासा को माजल्ला गासिब समझते हैं, झूठी कहानियां मंसूब थी। उसने पूछा क्या इमाम आली मुकाम इमाम मोहम्मद बाकिर आप भी उनको सिद्दीक कहते हैं? आप गुस्से में आ गए, जलाल में, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और किबला रुख होकर खड़े हो गए, फरमाया नाम अस्सिद्दीक, नाम अस्सिद्दीक, नाम अस्सिद्दीक, फमन लम यकुल लहु सिद्दीकन फला सद्दकल्लाहु लहु कौलन फि दुनिया वला फिल आखिरा, खड़े हो गए किबला रुख, फरमाया इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने हां अबू बकर सिद्दीक हैं, हाँ अबू बकर सिद्दीक हैं, हाँ सिद्दीक हैं, और जो शख्स उनको सिद्दीक न माने, मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह न दुनिया में उसकी बात को कबूल करे ना आखरत में, वो दुनिया में भी मर्दूद हो और आखरत में भी मर्दूद हो। ये मैंने आपको बर सबील तज़किरा एक रेफरेंस दिया है, मैं बीसियों दर्जनों दूंगा जब इस सब्जेक्ट पर एंड पर आऊंगा, जब यह पूरी सीरीज कंक्लूड करूंगा तो एंड पर मेरा यह सब्जेक्ट होगा कि आइमा अतहार अहले बैत का अकीदा और उनके फरामीन क्या थे खुलफाए सलासा और सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन के बारे में, ये आखिरी मेरा मौजू होगा।
मैं सब बातें इस वक्त नहीं चाहता, समझाना मकसूद ये है कि ये जो जुबान आज इस्तेमाल हो रही है या होती है, ये आइम्मा अतहार अहले बैत ने तो ये लोगों को तालीम नहीं दी। शिया हजरात तो आइम्मा अहले बैत के पैरोकार हैं, उनकी बातों को मानने वाले हैं, ये असल शियत है, ये उनका दावा है। तो ये बातें कहां से आ गई? तो ये मैं कहता हूं उनको, ये शियत नहीं, ये राफिजियत है। इस से अपने अकीदा को खाली करें, पाक करें, जैसे अहले सुन्नत खारजियों को पहचाने और खारजियत से पाक करें। खारजियत का मकसूद अहले सुन्नत के दिलों से अहले बैत अतार की मोहब्बत को निकालना था, और राफिजियत का मकसूद अहले तशय्यो के दिलों या जुबानों से सहाबा कराम का अदब और एहतराम भी कुलियतन खत्म करके उनके खिलाफ जुबान दराजी पर उकसाना था, ताकि उम्मत में इतना आग लग जाए तफरका की कि फिर उम्मत के हां कभी मिल बैठने का इम्कान ना हो। इस वजह से मैंने इस मौजू को शुरू किया, और ये मेरे उसी तरह फराइज में से है जैसे मैंने खारजियत के खिलाफ आवाज बुलंद की। अब मैंने चाहा कि खुलफाए राशिदीन की शान में जो सब शितम हो रहा है और इंतहा कर दी गई है, जिस तरह उनकी हिफाजत मेरा ईमान है, उनकी उनकी इज्जत और उनकी मोहब्बत की, इस तरह इनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत दिफा भी मेरा ईमान है। तो मैंने चाहा कि यह फर्ज अदा करूं, मकसूद दोनों घरों को समझाना है। अब एक अगला नुकता बड़ा अहम है, ज़हन नशीन करें, वो ये, कबल इसके कि मैं आगे आऊं, कल मैंने गुफ्तगू जो की उसका आखिरी हिस्सा ये था कि ये जो आज अकीदा इमामत व खिलाफत है, सदियों से जो किताबों में है, मैंने कहा कि ये पहले 300 साल आइम्मा अतहार अहले बैत आइम्मा मासूमीन जिनको जिनका टाइटल दिया जाता है, अहले तशय्यो देते हैं, उन आइम्मा अतहार के दौर में ये मनसूस मिनल्ला इमाम और खलीफा होने का तसव्वुर नहीं था। इस तसव्वुर को बनते बनते 300 साल लगे, हल्के हल्के इशारे लोगों ने फिर रिवायात बनाई और घर के फिर उसी जमाने के हवाले से जब रिवायत बनती है तो वो तो लेके तोड़ ऊपर तक चली जाती है ना, वहीं पहुंचा देती, आइम्मा अतहार तक पहुंचा दी ना, उनकी तरफ मनसूब कर दी, उनके अकायद ये नहीं थे। अब वो मैंने तारीखी हवाले आपके सामने रखे, आज हम इसी वजह से आगे चलेंगे और अर्ज करेंगे कि अगर आइम्मा इमामत और खिलाफत का ये अकीदा अहले बैत अतहार के उस जमाने में पहली 2-3 सदियों में मौजूद होता तो शिया हजरात के इसी मौजू पर कोई 100 के करीब फिरके बन गए थे, वो फिरके ही वजूद में ना आते, वो सारे फिरके दावा इमामत और खिलाफत पर बने थे, याद रख लें, किसी और मसले पर नहीं, क्योंकि अहले बैत ही में से, बनू फातिमा में से, अलवियीन में से, औलाद हसन और औलाद हुसैन में से ये शुमार आइम्मा ने अपने अपने वक्त में दावा इमामत किया, दावा खिलाफत किया, और वो आइम्मा अतहार अहले बैत ये 11 इमाम नहीं थे, दीगर थे अहले बैत में से, इनके होते हुए चूंकि वो करते रहे तो जो जो उनको मानते गए वो फिरके बनते गए, शिया हजरात में शियान अली के वो फिरके बनते गए। अब तो ये अहले बैत के अंदर इख्तलाफ तारीख बता रही, अगर कोई उछाले इस बात को कि सहाबा कराम कैसे सहाबा कराम थे, उनके अंदर इख्तलाफ हुए, मैंने आपको कहा कि हमेशा गैर जानबदार होकर सोचें, अगर ये इतराज वहां बनेगा तो फिर अहले बैत अतहार के अंदर अहल खानवादा रसूल में बनू हाशिम में 300 साल तक ये इख्तलाफ इमामत और खिलाफत पर हुए, इसका क्या जवाब दिया जाएगा? जो जवाब आप यहां देंगे वही जवाब सहाबा कराम की शान के लिए होगा। तो मैं इस मौजू को शुरू करने से कबल एक और कलमा नसीहत अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, मैं मेरी तबीयत में चूंकि किसी को रंजीदा करना और किसी को खफा करना या किसी के खिलाफ बात करना तबन नहीं है, अगर दौरान गुफ्तगू किसी की तबीयत पे कोई चीज नागवार गुजरे और रंजीदा खातिर हो तो मैं 100 बार माजरत खा हूं, 100 बार माजरत खा हूं, मेरा मकसूद ये नहीं,
मगर जब बात आ जाती है सैयदना सिद्दीक अकबर की, सैयदना फारूक आजम की, सैयदना उस्मान गनी की, सैयदना मौला अली शेर खुदा की, सहाबा कराम की, अहले बैत अतहार की, जब उनकी इज्जत पे हमला होता है और कुफर और इर्तिदाद और मुनाफकत के इल्जाम लगते हैं, तो बाज़ औक़ात दिफा करते हुए जज्बात ईमानी उसमें जोश भी आ जाता है। और जिसके जज्बात ईमानी में जोश और गैरत में जोश नहीं आएगा, उसको सोचना पड़ेगा कि वो मुसलमान और मोमिन है भी या नहीं। बाज़ औक़ात उस गैरत ईमानी में एक फितरी सा जोश है, उसमें मुमकिन है कभी ऐसी बात कोई हो जाए कि वो दूसरा महसूस करे कि उसे वो उसको रंज हुआ है। तो इसको नज़रअंदाज करें और हकायक को समझने की कोशिश करें। दूसरा कलिमा नसीहत यह है कि हमारा दीन हमें अदब सिखाता है, और अकाबिर की सहाबा कराम और अहले बैत अतहार के तकद्दस और इज्जत हुरमत की कुछ हुदूद है, अगर वो हट जाए, ये बात बड़ी अहम है, वो हुदूद अगर खत्म हो जाए तो फिर हर इंसान को आजादी है, फिर जो चाहे किसी के ऊपर जुबान खोलता फिर। सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन के लिए मैं वहां उनकी मिसाल देता हूं, फिर वही मिसाल आइम्मा अतहार अहले बैत की तरफ लाऊंगा दोनों की। अहले सुन्नत के हां ये बात समझ लें, खुलफाए राशिदीन ये जलीलुल कद्र अजीम सहाबा कराम, ये कुल्लुहुम अदूलुन, इनकी अदालत पर अहले सुन्नत का ईमान और एतिकाद है। मैं चूंकि मौजू को फैला नहीं रहा हूं ना, चूंकि मौजू है शेखैन करीमैन खुलफाए राशिदीन और खास तौर पर सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी का तज़किरा साथ साथ खुलफाए राशिदीन के बाब में कई मरतबा आ जाता है, तो वह खुलफाए राशिदीन पर मौजू है, कॉन्सेंट्रेशन है, और तख़सीसन शेखैन सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह। अहले सुन्नत में हम उनकी नेक नियति पर शक कर ही नहीं सकते। यह बात बड़ी गौर से सुने, चूंकि मैं इसकी मिसाल फिर आइम्मा अहले बैत के साथ देने वाला हूं, कॉन्सेप्ट को समझें। अहले सुन्नत के यहां यह कायदा कुल्लिया है कि वो पूरी उम्मत से आला रुतबा लोग हैं, अफदलुल खल्क हैं बादल अंबिया। अहले सुन्नत उनकी निस्बत बद नियति का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये ईमान के खिलाफ, ईमान से खारिज होते कि उन्होंने अमाल कोई किए या वाकयात किए जिसमें बदनीयत हो, या जुल्म करें या जबर करें या खिलाफ अदल चलें, या उनमें तदय्युन ना हो या तकवा ना हो। अहले सुन्नत इस तसव्वुर को भी मुमकिन नहीं समझते, ये अकीदा है, कुरान से और सुन्नत नबवी से साबित शुदा है। मैंने 18 घंटे देखी है ना कुरान मजीद की आयात बयान की हजरात शिया की तफासीर से, शिया तफासीर से आपके सामने कर दी मैंने। अब कुरान से बढ़कर कोई शहादत नहीं है इन पर, इस पर अल्लाह पाक ने अपने इनसे राजी होने, जन्नत की अबदी बिशारत देने और इनके दिलों के हाल पर मोहर तस्दीक सब्त करने और अल्लाह की अपनी उलूही गवाही देने पर तमाम दलायल हैं कुरान मजीद के, सब कुछ आपके सामने। तो हमारे यहां ये साहिबान अदालत हैं, साहिबान फजीलत हैं, साहिबान तदय्युन हैं, साहिबान तकवा हैं, साहिबान इखलास हैं, ये जुल्म नहीं कर सकते, जबर नहीं करते किसी पर, हक गसब नहीं करते, बद्दयानती नहीं करती, हिर्स व लालच से पाक हैं, नफ्स परस्ती से पाक हैं, खुद गरजी से पाक हैं, ये तहफ्फुज़ हासिल है इनको। आप पूछेंगे क्यों, ये तहफ्फुज़ तरबियत व सोबत मुस्तफ़ा का तहफ्फुज़ है, यह आका अलैहिस्सलाम की वो क्लास है जो 23 बरस मेहनत करके हुजूर ने तैयार की है। अगर ये इन पैमानों पर पूरे न उतरें तो ये ताजदार कायनात की माजल्ला नाकामी बनती, और 23 बरस अव्वल दिन से तादम विसाल हर कदम पर आका अलैहिस्सलाम की सोबत में, वफादारी में, जानिसारी में, खिदमत गुजारी में रहे। अब ये इनको तहफ्फुज़ हासिल है, सुन्नत के अकीदे में हिफाजत है, ये महफूज हैं। मासूम हम नहीं मानते, बात को समझ लें, मासूम हम सिर्फ अंबिया को मानते हैं, मगर अल्लाह की हिफाजत में है आका अलैहिस्सलाम की तरबियत और सोहबत की वजह से। आका अलैहिस्सलाम ने तज़किया फरमाया है इनका, अपनी सोहबत में बैठा कर आका अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत की है, अपनी सोहबत के फैज से नवाजा है, खलवतों में भी, जलवतों में भी, सफर में भी, हजर में भी,
इसलिए ये इनको एक तहफ्फुज़ प्रिविलेज हासिल है कि जब कोई इनका इख्तलाफ इनके माबेन इख्तलाफ आ जाए, खा इनके अपने सहाबा कराम के माबेन या कभी किसी मसले पर सहाबा कराम और बैत अतहार के माबेन आ जाए, तो हम दोनों में किसी तरफ भी सुए नीयत बद नीयती मंसूब नहीं करते, हम उसकी तौजीह करते हैं, तावील करते हैं और उसके मुस्बत पहलू के साथ उस वाकया की ताबीर तशरीह करते हैं और दलायल वाकयात तारीखी रिवायात कुरान मजीद सुन्नत और वाकयात की तमाम तफसीलात को लेकर जो मुस्बत उसका रुख है उसको सामने लाते हैं। अगर ये तकद्दस हिफाजत का ये हिसार तोड़ दिया जाए, जैसे कि इस वक्त बाज़ इंतहा पसंद जो शिया मसलक का लिबादा ओढ़कर ये फैला रहे हैं, इस तरह की काविशें कर रहे हैं, अगर उस तसव्वुर को मान लिया जाए कि माज़ल्लाह ये फिर गए और कोई तकद्दस इनका ना रहा, कोई हिफाजत ना रही और हिसार खत्म कर दिया अदब और हया का, तकद्दस का, इनकी हिफाजत का, तकवा का, और एक आम इंसान और आम सियासतदान की तरह माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह समझ लिया। क्यों समझा? कि वो जो हिफाजत था दीन की अल कुरान की आयात से, सुन्नत नबवी से, हुजूर की सोबत से, हुजूर की तरबियत से, हुजूर के फरमुदात से, इनके बारे में हमने जब उनको रद्द कर दिया, हिसार टूट गया अदब का तकद्दस का। जब हिसार टूट गया तो आपने अपनी माने देख आम इंसानों की तरह लिया, तो फिर उनकी नीयतों को उसी तरह सोचा जैसे आप रोजमर्रा मामूले में अपने भाइयों के साथ बदनीयती करते हैं, रिश्तेदारों के हक खाते हैं, डाका जनी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, खयानत करते हैं, जैसे आप लोग हम लोग सोसाइटी के आम ये सियासतदान 24 घंटे झूठ ही बोलते हैं, मकर करते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, फिर जब खुदा ना खास्ता जब हिसार तोड़ दिया और आप उठा के यहां ले आए, फिर आपको आजादी है, जो चाहे कहते फिरे, हिसार जो टूट गया फिर कोई लिमिट नहीं है। ये हो रहा है। अब इसी तरह अब दूसरी मिसाल को समझें, जैसे इनको हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात और तरबियत के नतीजे में एक हिसार है, तकवा, परहेजगारी, इसलिए सहाबा कराम के बामी इख्तिलाफात पर भी अहले सुन्नत जुबान को बंद रखते, खास तौर पे मौला अली शेर खुदा की जिंदगी में जो हुए वहां हम कैटेगोरिकल हैं, हम ये तो कहेंगे कि मौला अली शेर खुदा हक पर हैं, दूसरा फरीक हक पर नहीं था, जंग सिफीन है, मौला अली शेर खुदा की खिलाफत हक का राशिदा थी, दूसरे की खिलाफत का ऐलान गलत था, हम ये तो कैटेगोरिकल हैं, हमारे आइम्मा तमाम ये लिखते चले आए हैं, मगर इसके बाद सुकूत इख्तियार करेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत और सहाबियत का हया करते हुए और मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर छोड़ देंगे। अगर ये हिसार अदब का तोड़ दें तो जैसे अगर अहले तशय्यो या गाली लोग शियत का नाम लेकर राफजियत फैलाने वाले अगर ये इशार तोड़कर शिया हजरात को ये चीज बावर कराएं या अहले सुन्नत नौजवानों को ये बावर कराएं कि वो तो इस तरह के आम लोग थे माज़ल्लाह और उन्होंने ये कुछ किया हवस इक्तदार में, अस्तग़फिरुल्लाह, अगर हवस इक्तदार जैसी चीजें मंसूब कर लें अदब का इशार तोड़कर, तो अब मैं आपको दूसरा रुख समझाना चाहता हूं। ये जो कुछ अब मैं कहूंगा वो मैं नहीं कह रहा हूं, बताना चाहता हूं कि एक खतरे का एहसास दिला रहा हूं कि फिर दूसरे लोग भी यूं कह सकते हैं, फिर दूसरे लोग भी यूं कह सकते हैं। वो क्या कि आइम्मा अतहार अहले बैत के लिए ऊपर भी अदब का तकद्दस का इशार वो तोड़ देंगे, वो कहेंगे आपने जो उन्हें मासूम बना रखा है, उनके मासूम होने ने तो न कुरान ने बयान किया न रसूल पाक ने बयान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इशार आपने बना रख, फिर दूसरे लोग आपको यूं कहेंगे। ये मैं नसीहत कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये तर्ज अमल छोड़ दें, वरना दूसरा तबका इस तरह बात करेगा। तो जब इधर की इज्जत भी ना रही, इधर की इज्जत भी ना रही, तो दीन में बच क्या गया? दूसरा रद्द अमल में आकर कहेगा कि जो आइमा अथार को आपने मासूम बना रखा है मनसूस, वो तो कहीं से साबित ही नहीं है, पूरे कुरान की 114 सूरतों में कहीं दर्ज नहीं कि ये 12 इमाम होंगे और मासूम होंगे, कहीं दर्ज नहीं कुरान में, कहीं नहीं कि ये 12 इमाम मासूम और मनसूस मिन अल्लाह होंगे, न रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी इतरत में मेरी औलाद में 12 इमाम मासूम और मनसूस होंगे। मेरे लफ्ज पर गौर करें, 12 इमाम होंगे मासूम और मनसूस होंगे,
पहला अली शेर खुदा होगा, फिर हसन। न हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना कुरान ने कहा, ना सैयदना अली शेर खुदा ने खुद कहा कि मैं मासूम हूं और मेरी इमामत और खिलाफत मंसूस मिन अल्लाह है। तीसरी दलील, न इमाम हसन मुश्तबा ने कहा खुद कि मैं मासूम और मंसूस हूं मेरी इमामत और खिलाफत। अगर अपनी खिलाफत मंसूस मानते तो हजरत मुआविया के हक में विदड्रॉ ना करते। अगर मंसूस थी तो विदड्रॉ किया, तो अल्लाह की मंसूस अता करदा खिलाफत को विदड्रॉ करना किसी गासिब के हक में, इमाम हसन मुश्तबा का अपना दर्जा क्या रह जाता है? दूसरे फिर यूं कहेंगे इस तरह कि तो जो मासूम होने का जो आपने एक तस्वर बनाया है, फिर जैसे आपने सहाबे कराम का महफूज होने का इसार तोड़ देंगे खुलफाए राशिदीन और उनकी नियतों पर वाकयात की रोशनी में शक करेंगे, तो वो मुद्दे मुकाबिल में आकर आइमातार अहले बैत की निस्बत जो आप मासूम और मंसूस होने का इसार है वो तोड़ देंगे और उन्हें कहेंगे वो भी हुजूर के खानवादे में थे, सादात जैसे आजकल सादात होते हैं वैसे वो भी थे। माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशत। वो यूं भी कहेंगे, सोचना चाहिए कि बात कहां तक जा सकती है इस रवैये से। वो कहेंगे हुजूर की औलाद थी, सादात हैं, आज भी यहां लाखों सादात फिरते हैं, वो इनसे अच्छे थे, वो भी सादात थे, मगर ना मासूम है ना मंसूस, आपस में लड़ते रहे 300 साल तक उनकी जंग रही आपस में अहले बैत के अंदर खिलाफत और इमामत की। तो वो जब हद टूट जाएगी इज्जत की, तकद्दस की, मासूमियत की, उनके नेक नियत होने की, उनके मुत्तकी होने की, साहिब तकवा, साहिब जोद, साहिब वरा होने की, कि वो ऐसे न थे, जब हद टूट गई और आम इंसानों की तरह ले लिया गया कि ठीक है बिल्कुल तराजू पर तोलें आम इंसानों की तरह और कोई खास प्रिविलेज न दें। अगर सहाबा कराम को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना, प्रीरोगेटिव नहीं देना, कोई कंसेशन नहीं देनी, कोई रियायत नहीं देनी उनके वाकयात में, तो इधर क्यों रियायत दी जाए? आइए अदल और इंसाफ के साथ तजिया करें गैर जानबदार होकर। अगर इस तरह सोचने लग जाएं तो वो उनके आपस की लड़ाइयों को क्या ये नहीं कहेंगे कि लड़ते रहे आपस में हुकूमतों पर लड़ते रहे? अगर ये इल्जाम लगा देंगे खुलफाए राशिदीन अपने इक्तदार के लिए लड़ते रहे, तो 300 साल तक अहले बैत अतहार के अंदर जो लड़ाई हुई और जो उनके उठ के शहजादे और अइमा अहले बैत खिलाफत इमामत का दावा करके शहीद होते रहे, कोई क्या कहेगा? इसी वजह से खारजी लोगों ने, गुस्ताख लोगों ने, अहले बैत से बुग्ज रखने वाले लोगों ने इमाम हुसैन पर भी जुबान दराजी की अलैहिस्सलाम, और उसको भी कहा कि करबला में माजल्ला यजीद से हुकूमत छीनने के लिए गए थे, इक्तदार के लिए गए थे। इसकी जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी, एक जुबान खोलेगा दूसरा भी खोलेगा, और ये किताबें लिखी गई थी, खिलाफत यजीद पर किताबें लिखी गई, बदबख्त लोग यहां तक जा पहुंचे। अमीरुल मोमिनीन यजीद कहा गया, बदबख्त यहां तक जा पहुंचे। यजीद को रजी अल्लाह ताला अनु कहा गया। आजकल भी एक किसी आदमी ने टीवी पर, एक मुबल्लिग साहब ने यह कह दिया था, बाद में जब मेरे खिताब के जरिए गिरफ्त हुई तो फिर विदड्रॉ किया कि गलती से जुबान से निकल गया था। अकीदा वही है, उस यजीद लईन को, उस यजीद मलऊन को रजी अल्लाह ताला अनु का, अमीरुल मोमिनीन का, और इमाम हुसैन को माजल्ला बागी का किताबें लिखी गई। तो जब हद टूट जाती है अदब और एहतराम की, याद रखिए, तो फिर वो तीर सिर्फ सहाबाए कराम की इज्जत पे नहीं पड़ते, फिर अहले बैत के आधार पर भी आप डलवाते हैं वो तीर। लिहाजा दो तरीके होते हैं वाकयात की, या मुस्बत तौजीह करें या मनफी तौजीह करें। अगर तकद्दस, अदब, एहतराम ये मलूज हो तो इंसान उस एक ही वाक्य की मुस्बत 100 तौजीहात होती हैं कर लेता है। आप रोजमर्रा घर में करते रहते हैं, भाइयों में इख्तलाफ हो जाता है, एक समझता है कि इसने मेरे लिए ज्यादती की, इसने सही नहीं कहा, दूसरा कसम खा के कहता है कि खुदा की कसम मेरे जेन में भी ऐसा गुमान नहीं था, मैं तो नेक नियति से यह कर रहा था। आपस में इख्तलाफ हो जाता है, तो जब एक कसम खा लेता है तो आदमी उसकी कसम पर एतमाद करता है, यह दीन का बताया हुआ तरीका है। तो आपस के निजाम इस तरह रफा हो जाते हैं, जब वो भी एतमाद के साथ रफा होते हैं। अरे जब एतमाद ही उठ गया तो फिर इख्तलाफात और निजात की तौजीह क्या करेंगे? मनफी होगी, फिर आप सहाबा कराम के लिए मनफी करेंगे, दूसरे हुजूर की अहले बैत और खानदान बनू हाशिम के लिए मनफी करेंगे। इधर भी ईमान बर्बाद हुआ, इधर भी ईमान बर्बाद हुआ, तो पूरी उम्मत को बेईमान बनाना चाहते हैं।
लिहाजा ये बुनियादी चीज है, इसको कभी जेहन से ना निकालिए, इसके साथ ईमान की हिफाजत है। अब मैं इस बुनियादी तसव्वुर को लेकर आगे अर्ज कर रहा हूं कि चूंकि ये अकीदा जो आज कई सदियों से बाद में बन गया, हजार साल से समझे या 900-800 साल से बन गया, 800-900 साल से अकीदा इमामत और खिलाफत, ये इस अकीदे को तश्कील पजीर होते हुए 3 सदियां लगी। ये इस बात का खुद बय्यन सबूत है कि अइमा अतार अहले बैत के जमाने में ऐसा अकीदा नहीं था, और जब यह अकीदा बन गया कि यह इमाम मनसूस होता है और खलीफा मनसूस मिनल्ला होता है, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से हुक्म और वसीयत होती है, जब यह वजह हो गया तो फिर अल्लाह के मनसूस, अल्लाह की तरफ से मनसूस और मामूर इमाम और खलीफा का इनकार कुफ्र हो जाता है। फिर वो ऊपर के खुलफाए राशिदीन पर ऑटोमेटिकली तान चली गई कि फिर तो मौला अली शेर खुदा को होना था, उन्होंने गसब कर लिया। जब माजल्ला गासिब बना लिया तो फिर उससे आगे चले गए, जालिम हो गए, फिर उनको काफिर बना दिया, दीन से फेर दिया। इस पूरे के पूरे तसव्वुर ने जब वजह होने के बाद जब असर डाला तो उसके बाद कड़ी से कड़ी बनती चली गई, जबकि उससे कबल इन बातों की कोई हकीकत न थी। अब मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि यही अकीदा इमामत और खिलाफत ऐसा था कि जिसको बनने में सदियां लगी, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दिया था, और सीधना मौला अली शेर खुदा और हसनैन करीमैन उन्होंने नहीं दिया था, और न सहाबा कराम ने दिया था, इसका वजूद ही नहीं है उस जमाने में। मैंने आपको कहा कि एक लफ्ज नहीं मिलता कि खुद मौला अली शेर खुदा ने पूरी नहजुल बलागा में या आपके खुतबात में ही आपने फरमाया हो कि मैं अल्लाह की तरफ से मनसूस इमाम हूं, मेरी इमामत खिलाफत मनसूस मिन अल्लाह है। पूरी नहजुल बलागा ही उठा के देख लो, छोड़ दीजिए अहले सुन्नत की किताबें, उनके खुतबात से भरी पड़ी। उन्होंने सारी जिंदगी यह दावा नहीं किया कि मेरी इमामत खिलाफत मनसूस मिन अल्लाह है, और जिसने मुझसे खिलाफत इमामत का हक छीना है वो काफिर हो गया, क्योंकि मनसूस थी, वो खारिज इस्लाम हो गया, मुर्तद हो गया, और उसके खिलाफ जिहाद वाजिब हो गया। ये सब नताइज बनते हैं। तो ये अकीदा चूंकि नहीं था, इसलिए अहले बैत के अंदर और बनू हाशिम के अंदर, बनू फातिमा के अंदर, अलवीजीन के अंदर, सादात के अंदर जितने आइम्मा थे अपने अपने दौर में, वो इमामत और खिलाफत के लिए स्ट्रगल करते रहे बनू मैया बनू अब्बास की गलत हुक्मरानों के खिलाफ। ये मैंने कल बताया और आज ये अर्ज करना है कि फिर इसी इमामत और खिलाफत के तसव्वुर के सेटल न होने की वजह से, लफ्ज गौर कर सुनिए, इसकी सेटलमेंट न होने की वजह से फिरके बनते चले गए। तो पहला फिरका जो बना शिया हजरात में, सबसे पहले 5 फिरके बने इसी इमामत और खिलाफत के तसव्वुर पर। पहला फिरका कैसानिया, दूसरा जैदिया, तीसरा इमामिया, चौथा गुलात यानी गाली, माज़ा हज़रत अली को खुदा कहने वाले, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और 5वां इस्माइलिया। सबसे पहले ये जो कैसानिया है, इन्होंने, इनके कैसानिया के फिर आगे किस्में बनी, मुख्तारिया, मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी के नाम से, अलहाशिमिया, अलबयानिया, अर्रिजामिया, ये सिर्फ कैसानिया के आगे फिर फिरके बने। इनकी असल बुनियाद यह थी कि इमामत और खिलाफत का हक मुहम्मद बिन अल हनफिया का था, इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाद। एक तबके ने तो डायरेक्टली ये कहा, मगर बाद अजां इनका अकीदा ये हो गया कि मौला अली शेर खुदा, इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम नहीं थे बल्कि इमाम मोहम्मद बिन अल हनफिया, जो मौला अली शेर खुदा के साहबजादे हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चचा थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन के भाई हैं। तो उन्होंने अकीदा रखा कि इमाम मोहम्मद बिन अल हनफिया वो इमाम थे और खलीफा थे। तो उसके मानने वाले फिर कैसानिया कहलाए,
क्योंकि इसको फैलाया मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी ने और इनका टाइटल कैसान भी था। उसने फरोग दिया और उसने करबला में इमाम हुसैन की शहादत जब हुई तो जितने शुहदा हुए करबला मुअल्ला के उनका बदला भी उसी ने लिया बनु उमैया के लोगों से। चुन चुन के कातिलीन इमाम हुसैन को उसने कत्ल किया और उसने कहा कि यह हुक्म मुझे इमाम मोहम्मद बिन अल हनफिया ने दिया था। रात दिन उसका मिशन था कातिलीन हुसैन को कत्ल करना। यहां से कैसानिया मुख्तारिया भी कहलाए अल मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी। तो पहला अकीदा जो बना जिसकी आगे पांच ब्रांचेस बनी फिर वो थी कि इमाम हसन और हुसैन के बाद इमाम मोहम्मद बिन अल हनफिया है। अब ये मैं हजरात शिया की किताब से रेफरेंस कोट कर रहा हूं। उसूल काफी शिया हजरात के उसूल अरबा में बुनियादी किताब है, उसकी जिल्द अव्वल नोट कर लीजिए सफा 348 किताबुल हुज्जा, किताबुल हुज्जा सफा 348 मतबूआ तेहरान तबे जदीद। और इसका जो मतबूआ लखनऊ भी है उसूल काफी उसका हवाला भी है, तबा कदीम लखनऊ की छपी हुई उसका सफा 218 और तेहरान के मतबूए का सफा 348 किताबुल हुज्जा जिल्द अव्वल। अब मैं ये जो जितनी बात करूंगा इन तमाम चीजों की ताईद कुतुब शिया से अब ले रहा हूं मैं। इस उसूल काफी में आता है अन अबी जाफर अलैहिस्सलाम, सीदना अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम रावी हैं इसके। قال لما قتل الحسين ارسل محمد بن الحنفيه الى علي بن الحسين عليه السلام فخلا به। जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम शहीद हो गए तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो भाई थे इमाम हसन और इमाम हुसैन के, उन्होंने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलवा भेजा उनकी शहादत के कुछ अरसा बाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके पास गए, लोगों को निकाल दिया, जब अकेले बैठे तो अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन भतीजे हैं इमाम मोहम्मद बिन हनफिया चचा हैं। तो मोहम्मद बिन हनफिया कहने लगे यबन अखी, ए मेरे भतीजे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, मैं हवाला उसूल काफी का कोट कर रहा हूं, अब सुन्नी किताबों को नहीं जैसे मैंने अर्ज किया तमाम, और ये उसूल है मेरे भाई, कद कुतिल अबू का रजी अल्लाह तआला अनु वसल्ला अला रूहही वलम यूसी। इमाम मोहम्मद बिन अल हनफिया ने कहा उसूलुल काफी में कि आपके वालिद शहीद हो गए, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, अल्लाह उनकी रूह पर दरूद और सलाम भेजे, मगर उन्होंने कोई वसीयत नहीं की कि मेरे बाद कौन होगा मेरा जानशीन, वसीयत नहीं की। अब वसीयत की नफी कर दी। वाना अम्मो का व सिन वो अबी का व विलादती मिन अलीयन अलैहिस्सलाम फी सिन्नी व कदीमी हक्को बिहा मिनक, मैं आपका चचा हूं, मेरी विलादत पहले है, उम्र में ज्यादा हूं, आपसे ज्यादा मैं हकदार हूं, आप उम्र में छोटे हैं, आपका चचा भी हूं। इमाम हुसैन ने वसीयत भी कोई नहीं की, लिहाजा अब इमामत और खिलाफत का हकदार मैं हूं। फला तुनाज़िनी फिल वसीयत वल इमामत वला तुहाज़िनी, अब वसीयत के मसले पर और इमामत के मसले पर मेरे साथ कोई झगड़ा ना करना, इख्तलाफ ना करना, और ना कोई मुनाजरा और दलायल के साथ बहस करना, कि मैं तुम्हारा चचा हूं, तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद की मिसाल हूं, और मैं हजरत अली अल मुर्तजा का बेटा हूं, उम्र में तुमसे ज्यादा हूं और सिलसिले के लिहाज से भी ज्यादा हकदार हूं, तुम्हारी उम्र थोड़ी है, लिहाजा वसीयत और इमामत के मामले में मुझसे झगड़ा ना करना और हील हुज्जत ना करना। जब यह बात हो चुकी इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आगे उन्हें जवाब दिया,
فقال لو علي من الحسين يا عمي اتق الله ولا تدو ما ليس لك بحق اني اعوذك ان تكون من الجاهلين ان ابي يا عمي صلوات الله عليه اوصى الي. اب امام زين العابدین بولے اس حوالے کے مطابق کہ آپ اللہ سے ڈریں, آپ حقدار نہیں ہیں, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اس کام سے رک جائیں, میرے والد نے میرے حق میں وصیت کی تھی. اب آپ دیکھیے اصول کافی کی روایت, چچا اور بھتیجے میں اختلاف ہو گیا, چچا نے کہا وصیت نہیں کی لہذا ان دلائل کی بنا پر میں حقدار ہوں, انہوں نے کہا میرے لیے وصیت کی تھی, چچا نے کہا آپ کے والد نے وصیت نہیں کی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پوری آگے تفصیل دے دی گئی ہے اس کتاب میں, اور جو حوالہ میں نے کوٹ کیا ہے یہ پہلا حوالہ تو میں نے عرض کر دیا اصول کافی کا, کہ اب امامت اور خلافت پر پہلا اختلاف ہو گیا چچا اور بھتیجا میں. دوسرا حوالہ کشف الغمہ, یہی پوری بات, تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ کسی شاذ روایت سے میں دے رہا ہوں, کتنی کتب نے اس پورے واقعے کا حق ہونا بیان کیا. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد دوم صفحہ 110 فی ذکر فضائل الامام علی بن الحسین مطبوعہ تبریز ایران کی چھپی ہوئی طبع جدید. تیسرا یہی حوالہ منتہی الاعمال شیعہ حضرات کی کتاب جلد دوم صفحہ 26. چوتھا حوالہ کتاب الخرائج تالیف جو ہے قطب راوندی شی اس طرح بے, اور وہ صفحہ 233 پانچواں باب معجزات الامام علی بن الحسین. ان تمام کتابوں میں یہ چیز وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ امام محمد بن الحنفیہ اور امام زین العابدین کے درمیان امامت اور خلافت پر اختلاف ہو گیا, اور یہ بے شمار دیگر اور کتب میں بھی ہے, میں نے آپ کو جو مناسب تھی وہ عرض کر دیا. اب جو بات آگے دیکھنے والی وہ یہ تو ان کا اختلاف ہے امام محمد بن الحنفیہ کا, مگر جنہوں نے انکار کیا امام زین العابدین کی امامت اور خلافت کا, انکار کیا چچا ہو کر, انہوں نے ان کی امامت و خلافت کا انکار کیا اور کہا کہ میں ہوں. اب اگر ذہن میں آئے کہ ان کا انکار کرنے والا کافر ہو گیا, امام زین العابدین کی امامت کا انکار کیا آمنے سامنے منہ کے سامنے, اگر یہ آئے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام محمد بن الحنفیہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کا درجہ کیا تھا, امام محمد بن الحنفیہ کا درجہ یہ تھا کہ ان کو سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے زمانہ میں ان کو اپنا جھنڈا عطا کیا تھا, جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو وہ مولا علی شیر خدا کے جھنڈا بردار تھے, اور اہل تشیع کی اپنی کتاب فرق و شیعہ تصنیف حسن بن موسیٰ نوبختی صفحہ 23 نجف اشرف کا مطبوعہ ہے طبع جدید, اور اسی طرح الشیعہ فی التاریخ محمد حسین کی تصنیف ہے صفحہ 48 مطبوعہ قاہرہ. اب وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ وہ بزرگ تھے جو مولا علی شیر خدا نے ان کو جھنڈا دیا تھا جنگ جمل میں, وہ علی شیر خدا کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, امام حسن اور امام حسین کو نہیں, امام محمد بن حنفیہ کو مولا علی شیر خدا نے جھنڈا دیا تھا, اور یہ وہی ہیں جنہوں نے امام حسین کی, ان کے ذریعے ان کے گھروں نے وفاداروں نے ان کی شہادت کا بدلہ لیا تھا. اب یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح دوسرا جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ پھر ان کے ماننے والے مسئلہ امامت پر آگے پھر آگے کئی فرقے بنتے چلے گئے, اور ان میں پھر ایک ہاشمیہ فرقہ بنا. جب محمد بن حنفیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے ابو ہاشم امام ہو گئے اور خلیفہ ہو گئے. دوسرے نے کہا کہ ابو ہاشم نہیں بلکہ ان کے بیٹے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف خلافت چلی گئی بنو عباس, ان کے قائل ہو گئے. تیسرے نے کہا نہیں,
उनके भाई हसन बिन अली बिन मोहम्मद बिन अनफिया को इमामत मिल गई। चौथे फिरके ने कहा कि नहीं, उनकी उनकी विरासत जो है और इमामत बराए रास हसन को मिली, अपने बेटे हसन को बिन मोहम्मद बिन अनफिया। तो चार पांच फिरके और एक और फिरका हुआ, उसने कहा कि उन्होंने अबू हाशिम ने वसीयत अब्दुल्ला बिन अमर बिन हर्फ अल किंदी को की, वो इमाम हुए नेक्स्ट। तो इस एक तबके में पांच फिरके आगे और वजूद में आ गए। और फिर आगे अल बयानिया एक फिरका बना इसी तरीक से। और अल बयान वो शख्स है बयान कि जिसने रिवायतें झूठी घड़ी और आइम्मा अतहार अहले बैत की तरफ सहाबा कराम के खिलाफ रिवायतें गढ़ के मंसूब की, और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने कहा उस पर अल्लाह की लानत हो, उसने हमारे शियों में कूफा में शाम में इराक में बसरा में झूठी रिवायतें ये और कुछ और नाम लिए घड़ घड़ के, दूर बैठे हुए लोगों को मंसूब करते कि ये इमाम बाकिर ने कहा, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हमारे तरफ मंसूब किया है खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम के खिलाफ घड़ी रिवायतों को, और वो सनदें बना दी। फिर इसी तरह एक और फिरका बना जैदिया। अब जैदिया की बुनियाद ये बनी कि ये जैद बिन अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम हुसैन करमल्ला अजल करीम की औलाद। अब इन्होंने जब ऐलान किया अपनी इमामत और खिलाफत का, तो इन्होंने इमाम जाफर सादिक के होते हुए उनसे कहा कि इमाम और खलीफा मैं हूं। इमाम जाफर सादिक, अभी अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इनका बयान इनका दर्जा और शान क्या है पहले वो कोट कर लूं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं शिया हजरात की किताब बिहारुल अनवार जिल्द 46 सफा 135 मतबूआ तेहरान तारीख अली बिन अल हुसैन अस्सज्जाद, दूसरी किताब शिया हजरात की उयूनुल अखबार इमाम अली रजा की अखबार जिल्द अव्वल सफा 197 मतबूआ हैदरिया नजफ अशरफ तबा जदीद। अब बिहारुल अनवार में और उयूनुल अखबार में रिवायत आती है कि हम अब्दुल्ला बिन सियाबा बयान करते हैं कि हम सात आदमी मदीना तैयबा आए। अब हजरत जैद बिन अली का पहले मुकाम सुन लें कि इमाम मोहम्मद बाकिर की निगाह में उनका मुकाम क्या है, और फिर आप जानेंगे कि ये उनका मुकाम है शिया कुतुब में आइम्मा अहले बैत के नजदीक, और उन्होंने फिर अपनी इमामत और खिलाफत का इनके मुकाबले में ऐलान किया। कहते हम कमरे में आए और हमारे पास हजरत इमाम जाफर सादिक, उनकी खिदमत में हम हाजिर हुए, तो इमाम जैद बिन अली उस वक्त अपनी इमामत और खिलाफत का ऐलान करके जिहाद पर जा चुके थे, जिहाद पर जा चुके थे। इमाम मोहम्मद बाकिर परेशान थे, उन्होंने पूछा आने वाले लोगों से फकाल आइंदकुम खबर अम्मी जैद, क्या तुम्हारे पास मेरे चचा जैद की कोई खबर है। ये इमाम मोहम्मद बाकिर पूछ रहे हैं कि मेरे चचा जैद की कोई खबर है, क्योंकि इमाम मोहम्मद अल बाकिर के भाई हैं ये। हमने जवाब दिया कद खाराजा और वह खारिजुन, या वो निकल चुके हैं जिहाद पर या निकलने वाले थे। आपने फरमाया सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कि जो ही कोई खबर मिले मेरे चचा जैद बिन अली की तो मुझे इतला करना। जैद बिन अली से मुराद जैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अली से मुराद ज़ैनुल आबिदीन है। तो ये भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं और इमाम मोहम्मद बाकिर भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं, इसलिए इमाम जाफर सादिक उन्हें अपना चचा कह रहे हैं, सगे चचा। नतीजा यह हुआ कि फिर उनको इतला मिली, किसी ने एक खत पे लिख के भेजा कि इमाम जैद बिन अली ज़ैनुल आबिदीन जुमा के दिन शहीद हो गए और फलां फलां लोग उनके साथ शहीद हुए। कहते हैं हम ये खबर लेकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और वो कागज पर लिखा हुआ जो था उनको पहुंचा दिया। फकारा व बका थुम्मा काल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ के रो पड़े, इन्ना लिल्ला पढ़ा और कहा इंदल्लाह आता से वो अम्मी। अब इमाम जाफर सादिक ने कहा कि खुदा की कसम मैं अल्लाह के हुजूर जब पेश होऊंगा तो अपने चचा के कातिलों से उनके कत्ल का हिसाब लूंगा, उनके कत्ल का हिसाब लूंगा। इन्ना उकान निमल अम वल्लाह, अल्लाह की कसम वो बेहतरीन चचा था। इन अम्मी काना रजुलन लिदुनियाना व आखिरतना,
हमारे चचा जैद बिन अली दुनिया में भी हमारा उसवा थे, मुक्तदा थे, आखिरत में भी नमूना थे, हमारे लिए नमूना थे, मर्द कामिल थे। और फरमाया मदा वल्लाह अम्मी शहीद, खुदा की कसम मेरा चचा जैद बिन अली शहीद हो गया है, शहीद है। कशुहदा उस्तुशहदा मा रसूलिल्लाह, और जैद बिन अली और उसके साथ शहीद होने वालों का दर्जा ऐसे है जैसे लोग रसूलुल्लाह के साथ जिहाद करते हुए शहीद हुए थे, जैसे अली मुर्तजा के साथ शहीद हुए, जैसे इमाम हसन के साथ ही शहीद हुए, जैसे इमाम हुसैन के साथ ही शहीद हुए। जैद बिन अली की शहादत और इनके साथी की शहादत का वही दर्जा है। अब ये बात आप जहन नशीन कर लें, ये मैंने हवाले आपको दे दिए बिहार उल अनवार और उयून उल अखबार दोनों किताबों के तफसील से। तो एक तरफ तो ये चीज आपके सामने आ गई कि ये इमाम जाफर सादिक ने यह दर्जा बयान किया हजरत जैद इमाम जैद बिन अली का, और यहां तक फरमाया। फिर आगे कई किताबों में आए हैं कि वो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, ताजदार कायनात को ख्वाब में देखा और फरमाया जैद मेरे बेटे ये जन्नत का समा देखा, फरमाया तू और अपने साथ जिसको बगैर हिसाब के जन्नत में ले जा। ये सब चीजें बिहार उल अनवार में, उयून उल अखबार में, ये तमाम किताबों में आई हैं। और इमाम अबू जाफर मोहम्मद अल बाकिर रिवायत करते हैं, इमाम मोहम्मद अल बाकिर वो रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम जैनुल आबिदीन से, उन्होंने इमाम हुसैन से, उन्होंने मौला अली शेर खुदा से सुना। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि यखरुज मिन सुलबिक रजुलुन, कि उन्होंने फरमाया था मेरे बेटे हुसैन तुम्हारी सुलब से एक आदमी पैदा होगा, युकालु लहु जैद, उसका नाम होगा जैद, यानी इमाम हुसैन के ये पोते थे, पोते इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे, जैद बिन अली पैदा होगा। और फरमाया क्यामत के दिन वो लोगों की गर्दनों से चलते हुए जन्नत में जाएंगे और बगैर हिसाब व किताब के उन्हें जन्नत में दाखिला होगा। ये इमाम मोहम्मद बाकिर फरमा रहे हैं कि मौला अली शेर खुदा ने कहा। अब लुत्फ की बात यह है कि ये इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने उनका दर्जा बयान किया कि बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। उनकी और उनके असहाब की शहादत इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली शेर खुदा और रसूलुल्लाह के हमरा शहीद होने वाले लोगों जैसी शहादत है। अब ये आपने समझ लिया। अब देखिए कि ये जैद बिन अली है कौन। ये वो हैं जिन्होंने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के सामने कहा कि इमाम आप नहीं, इमाम मैं हूं। इन्होंने उनके इमामत का इंकार करके अपनी इमामत और खिलाफत का ऐलान फरमाया था, जिनकी शान इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने यह बयान की। और इसका हवाला उसूल काफी में है, शिया हजरात की किताब उसूल काफी। अब उसका हवाला बड़ी तवज्जो से सुन लीजिए। इमाम अबू जाफिर बयान फरमाते हैं, यानी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि हजरत जैद बिन अली बिन अल हुसैन, हजरत इमाम जैद बिन अली इराक से आए और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के पास कमरे में आए। उनके पास किताब खतूत थे काफी, खैर तफसील की बात है। पूछा खतूत आपने भेजे हैं, अले कूफा, ये कूफा के खतूत आपने भेजे कि उन्होंने भेजे, ये तफसील की बात होती रही। बात हो कि उसके बाद उन्होंने कहा फकाल अल अबू जाफर, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए जैद बिन अली आप इमामत और खिलाफत के दावे की तरफ न जाएं, बल्कि कहा कि इन ताअत मफरूदतु मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ताअत फर्ज है, जो पहले भी थी और आखिर भी थी, लवाहिद मिन्ना, हम में से किसी एक की इताअत होगी, रह गई मवद्दत और मोहब्बत वो सारी अहले बैत के साथ होगी। इताअत एक की होगी, मोहब्बत और मवद्दत सब की होगी। ये बात करके इनके दरमियान गुफ्तगू जारी रही। उस पर हजरत जैद बिन अली गजबनाक हो गए और सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से नाराज हुए और नाराज होकर गजबनाक होकर फरमाने लगे फगादिब ज़ैद, उसूल काफी का हवाला है, इन दज़ालिक सुम्मा काल लै, ये बात तवज्जो तलब है। इमाम जैद बिन अली ने कहा सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को, लैसल इमाम मिन्ना मन जला सफी बैतही, अगर आपका यह ख्याल है कि इमाम आप हैं, तो कहने लगे इमाम जैद बिन अली कि यह ख्याल गलत है, हमारी अहले बैत में वो शख्स इमाम नहीं हो सकता जो घर बैठा रहे, वह अरखा सित्रहू, वो
हुक्मरान जालिम रहे और वो पर्दा डाल ले अपने घर के सामने और बाहर ना निकले। वसाबत अनिल जिहाद, और जिहाद के लिए ना खुद निकले ना जिहाद की दावत दे, वो हम में से इमाम नहीं हो सकता। इमाम मोहम्मद बाकर कह रहे थे जल्दबाजी ना करो, एक की इताअत होगी। वो जवाब में कहने लगे कि जो घर में बैठा रहे हम में वो इमाम नहीं। ऐसा शख्स जो पर्दे डाल ले घर पे, पर्दे तान के बैठे, वो इमाम नहीं। जो जिहाद से रूह गर्दानी कर ले वो इमाम नहीं। बल्कि हमारा इमाम ऐसा शख्स होगा, वला किन्नल इमाम मिन्ना मम माना हौजतहु व जाहद फी सबीलिल्लाह हक का जिहाद ही व दाफा अन रैयत ही व दब अन जहरी में। हमारा इमाम वो शख्स होगा जो इस्लामी हुदूद से लोगों को रोके और निकल के बाहर अल्लाह की राह में जिहाद करे, जिहाद करने का हक अदा करे, और रियाया को जालिम हुक्मरानों के जुल्म से बचाए और अपने हरम की हिफाजत करे। क्योंकि आप घर में बैठे हैं, आप इमाम और खलीफा नहीं। मैं जिहाद के लिए ललकार के निकल रहा हूं तो मैं वो फराइज अदा कर रहा हूं। इमाम जैद बिन अली का अकीदा यह था कि इमामत के लिए जिहाद के लिए निकलना शर्त है, कि जब तक आदमी खुरूज ना करे और जिहाद के लिए निकल के जिहाद ना करे वो इमामत और खिलाफत का हकदार नहीं हो सकता। ये उनका अकीदा था। तो जैदिया का भी अकीदा बना। ये उनका मुनाजरा हुआ। उस इमाम जैद बिन अली का इमाम मोहम्मद बाकर के साथ, जिनकी शान मैंने अर्ज कर दी कि इमाम मोहम्मद बाकर ने जिनके लिए वो कलिमात कहे जो मैं पहले बयान कर चुका हूं। इमाम मोहम्मद बाकर ने जिनके लिए वो कलिमात कहे। फिर जब इमाम जैद निकले, और इसी की उसूल काफी की शरह है साफी, असाफी शरह उसूल काफी जिल्द दोम जुज 3 हिस्सा अव्वल किताबुल हुज्जा, लखनऊ का तबा कदीम है। वो भी लिखते हैं असाफी में कि इमाम मोहम्मद बाकर की बात सुनकर इमाम जैद बिन अली गुस्से में आ गए और कहा कि इसलिए कि तलवार हाथ में लेकर जिहाद करना इमामत की शरायत में से है, चूंकि आप ये शर्त पूरी नहीं कर रहे, मैं पूरी कर रहा हूं, इसलिए इमामत मेरा हक है। और जो शख्स घर रहे पर्दे डालकर जिहाद से रू गर्दानी करे वो इमाम नहीं हो सकता। ये इमाम जैद बिन अली ने दलाइल दिए और इमाम मोहम्मद बाकर की इमामत को रद्द किया। और इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक के कलिमात आप सुन चुके हैं। उयून उल अखबार में आता है मजीद, फुजैल बिन यसार रिवायत करते हैं कि जब इमाम जैद बिन अली कूफा में गए जिहाद के लिए और शहीद हो गए, और शहीद होने के बाद आपने ये फरमाया था कि लोगों इस जिहाद में मेरे साथी बनो। फवल्लजी बअस मुहम्मदन बिलहक बशीरन व नजीरा ला युईनुनी मिनकुम अला किताल अहदुन इल्ला अखज़्तु बियदिही यौमल क़ियामत फअदखलतुहुल जन्ना बिइज़्निल्लाह। लोगों इस जिहाद के लिए मेरा साथ दो मेरी इमामत और खिलाफत का, खुदा की इज्जत की कसम जो इस जिहाद पर मेरा साथ देगा क्यामत का दिन मैं अल्लाह के इज्न से उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। अब ये जब सारी बात हुई, वो कहते हैं रावी बयान करते हैं ये फुजैल बिन यसार, जब वो शहीद हो गए तो मैं इमाम जैद बिन अली की शहादत की खबर लेकर मदीना गया कि मैं जाके इमाम जाफर असादिक रजी अल्लाह तआला अलैहिस्सलाम को सुनाऊं। कहते मैं अंदर, और इमाम जैद बिन अली पे शहीद हुए, फिर सलीब पे चढ़ाए, सूली पे चढ़ा दिया उमूवी लोगों ने, हुक्मरानों ने। कहा कि मैं अंदर दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही सीधना इमाम जाफर सादिक ने मुझे फरमाया फकाला कतलू हो, बताओ क्या मेरे चचा हजरत जैद बिन अली को लोगों ने शहीद कर दिया। कुल तो ई वल्लाह। फिर आपने पूछा काला फसालाबू हो, उनको सलीब पर चढ़ा दिया। कुल तो ही वल्लाह फसालाबू, हां उनको फांसी पर चढ़ा दिया। कहा जब ये बात मुझसे सुनी तो अकबला यब की दमू तनहादिर अनजान भी खद ही कन्नाहमल जम्मान। इमाम जाफर सादिक ये बात सुन के जारो कतार रोने लग गए, जारो कतार रोने लग गए, और आपके इतने आंसू गिरे लगता था कि मोतियों की जड़ियां आपके रुखसारों से गिर रही हैं। फिर आपने पूछा है फुजैल क्या तूने मेरे चाचा इमाम जैद बिन अली के साथ जिहाद में शिरकत की थी, शामियों को मारा था उनके साथ मिलकर। उन्होंने कहा मैंने शिरकत की थी। कहा तुम शामियों को मारने में तरद्दुद तो नहीं रखते थे, खुलकर साथ दिया था मेरे चाचा जैद बिन अली का। उन्होंने कहा खुलकर साथ दिया था।
उन्होंने जवाब में कहा कि ए खुदा की कसम मेरे चचा जैद बिन अली उनके साथ जाम शहादत नोश फरमाने वाले उन शहीदों की मानिंद हैं जिन्होंने मौला अली अल मुर्तजा के साथ मिलकर शहादत पाई थी। अब एक तरफ यह बात इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं उस इमाम जैद बिन अली की शहादत पर कि मौला अली शेरे खुदा के साथ शहीद होने वाले इमामों और अहले बैत के शहजादों जैसे शहीद हैं उनके बारे में जिन्होंने इमाम मोहम्मद बाकिर को कहा कि इमाम आप नहीं हैं मैं हूं। ये आप जरा कंसेप्ट देखते आइए कि खुद एक ही खानवादा में फिर इनके मानने वाले उनका फिरका जैदिया बन गया। ये सब हवाले में उसूल काफी से साफी से बड़ी कुतुब से अर्ज कर रहा हूं बिहार उल अनवार से किसी छोटी किताब का कोई रेफरेंस मैं नहीं दे रहा इसी बाब में। अगला हवाला एक और उसूल काफी से ही अर्ज कर रहा हूं इसमें अबान रिवायत करते हैं वो कहते हैं अखबरानी अल अहवल अन जैद इब्न अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम बासा इलैह मैं तवील मजमून है अहवल बयान करते हैं कि हजरत इमाम जैद बिन अली ने मुझे बुला भेजा तलाश किया मैं और जब मैं वहां पहुंचा तो आपने मुझसे कहा कि अगर हम में से कोई जिहाद के लिए निकले तो तुम साथ दोगे। तो अहवल बयान करते हैं कि वो उन्होंने गुरेज किया वो समझते थे कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इमाम है और खुलम खुला ये बात कहना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा अगर रूए जमीन पर ए इमाम जैद बिन अली अल्लाह की कोई हुज्जत है यानी इमाम है आपके अलावा उनका इशारा इमाम मोहम्मद बाकिर की तरफ था तो फिर आपकी बात न मानने वाला रूगर्दानी करने वाला ही निजात पाएगा यानी आपका साथ न देकर मुझे निजात मिलेगी और जो आपका साथ देगा वो हलाक होगा और अगर रूए जमीन पर अल्लाह की कोई हुज्जत यानी मनसूस इमाम नहीं है तो मनसूस इमाम नहीं है तो फिर मैं आपका साथ दूं जिहाद में या न दूं दोनों सूरतों में मामला बराबर है। इमाम जैद बिन अली समझ गए कि अहवल क्या कह रहा है इसका इशारा यह है इमाम मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलाम की तरफ। उस पर आपने जवाब दिया अब वो तवज्जो तलब है जवाब आपने फरमाया अहवल सुनो वो कहते हैं कि मेरे वालिद इमाम जैद बिन अली फरमा रहे हैं यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब मैं उनके साथ खाना खाता था तो दस्तरखान पे बैठकर जब खाना खाते तो मेरे वालिद बुजुर्गवार अपने हाथों से मेरे मुंह में लुकमा देते थे खाना खिलाते थे। अब ये भाई हैं इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जैद बिन अली भाई हैं दोनों लुकमा देते थे और उम्दा गोश्त की बोटियां मेरे मुंह में डालते थे और जब गोश्त की बोटी गर्म होती थी तो मेरे मुंह में डालने से पहले फूंक मार के उसको ठंडा करते थे ताकि मेरा मुंह जल ना जाए। जब मेरे वालिद की यह शफकत का आलम था मुझ पर कि गोश्त की बोटी की गर्मी जो मेरे मुंह के जलाए वो गवारा नहीं थी मेरे लिए यह बड़ी तवज्जो से सुने इबारत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब शफकत मुझ पर यह थी कि गोश्त की जो बोटी है उसकी गर्मी गवारा नहीं थी कि मेरे मुंह को जला दे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो क्या ये बर्दाश्त करेंगे कि मुझे दोजख की आग जला दे जो गोश्त की बोटी की गर्मी से मुझे बचाते थे क्या वो दोजख की आग में जलने से खुश होंगे मुझे जलने देंगे बर्दाश्त करेंगे। और ये उसके बाद आपने फरमाया इसका मतलब ये है कि तुम समझते हो कि हुज्जत इमाम मनसूस है कोई अब उसका इनकार करने से बंदा काफिर हो जाता है जहन्नुम में जाता है इतनी बड़ी बात हो और मेरे वालिद मुझे ये न बताएं और मुझसे छुपाए रखें इसका मतलब है मुझे बराह रात जहन्नुम में धकेलने के लिए तैयार किया कि इमाम किसी और को बनाया हो वो हुज्जत हो मनसूस मिनल्ला हो और मैं निकल के इमामत और खिलाफत का दावा कर दूं तो सीधा जहन्नुम जाने का रास्ता हुआ ना तो फिर मेरे वालिद ने यह बात मुझसे क्यों छुपाई अगर उन्होंने उनको बनाया या किसी और को मुकर्रर किया होता तो सबसे पहले मुझे बताते ताकि कम से कम मैं तो मुखालफत न करूं। ये इमाम जैद बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बात कर रहे हैं
हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से। अब ये जो पूरी इबारत है इसको मुल्ला कज़वीनी ने इसकी मजीद शरह की है। अस्साफी, ये उसूल काफी की इबारत थी। अशाफी, ये उसूल काफी की इबारत थी जो मैंने आपको सुनाई, जो बुनियादी उसूल की किताब है शिया अकायद में। अब इसकी शरह की है अस्साफी, शरह उसूल काफी, उसमें मुल्ला कज़वीनी लिखते हैं जिल्द अव्वल जुज 3 हिस्सा अव्वल सफा 23 मतबुआ लखनऊ कदीम तबा। अब वो मुल्ला कज़वीनी इसकी शरह करते हैं, उसने कहा कि अहवल ने कहा कि पस इमाम जैद बिन अली ने मुझे यह समझाया कि जब मेरे वालिद दस्तरखान पर बैठते और मोटे गोश्त में से टुकड़ा तोड़कर मुझे खिलाते और गरम लुकमा ठंडा करके मेरे मुंह में डालते ताकि मुझे तकलीफ ना हो। यह शरह कर रहे हैं। अब मैं हवाला असाफी का दे रहा हूं, शरह उसूल काफी। तो जब मेरे वालिद मेरी खातिर इतना गम करते कि वो गोश्त की तपश मुझे तकलीफ न दे, तो दोजक की आग की गर्मी के लिए मेरी खातिर गम नहीं खाएंगे, दोजक की आग से मुझे नहीं बचाएंगे। इस पर अहवल कहते हैं सो इमाम जैद बिन अली ने मुझे यह खबर दी कि जिसमें आखरत की निजात है अगर इमाम मंसूस को मानना और उनकी इमामत का इनकार ना करना और उनकी इमामत के पीछे चलना और उनके मुकाबले में अपनी इमामत का ऐलान करना, अगर यह बायस दोजक और बायस जहन्नुम है और आखरत का मदार बख्शिश का इस पर है, इतनी बड़ी बात अगर होती तो मेरे वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुझे खबर क्यों ना करते, उन्होंने मुझे खबर न दी। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ तू कहता है ए अहवल, ये इशारा करता है कि इमाम मोहम्मद बाकर को इमाम मंसूस बनाया गया, तो इसका मतलब है तुझे ज्यादा खबर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुझसे, जो मैं उनका बेटा हूं, तुझसे ज्यादा पहले मुझको इतला करते। ये मैंने बहुत से रेफरेंसेस हैं मगर मैंने चंद एक सिर्फ लिए, एक इमाम मोहम्मद बिन अल हनफिया के, एक इमाम जैद बिन अली के, एक दो सिर्फ लूंगा नमूने के तौर पर, फिर हम इसके हल पर आएंगे कि अब अगर ये सिचुएशन है कि मसला खिलाफत इमामत का कोई अकीदा सेटल्ड नहीं था खुद आइमा अहले बैत के दरमियान सगे भाइयों में भी, और ये चीज अहले सुन्नत की तरफ से कोई इल्जाम नहीं है, ये शिया हजरात की सबसे ऊंचे दर्जे की आला कुतुब के अंदर दर्ज है रिवायात, तो फिर उसका हल क्या है? मैं फिर उसके हल की तरफ आऊंगा कि फिर उसका सोल्यूशन क्या है। इसी तरह तीसरे इमाम हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़कीया, तो ये जैदिया जो इमाम जैद जिनका मैंने जिक्र किया, फिर इनसे शियाने अली के फिरके बने जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मानने वाले थे और जिहाद करने के लिए खुरूज को फर्ज समझते थे और वसीयत पर इख्तिलाफ था, तो उनके फिरके बने। और फिर यहां कई शिया हजरात के अलग मकातिब फिक्र बने, एक अल जारूदिया बना ज़ैदिया में, मैं उसकी तफसीलात में अब नहीं जा रहा। अल जारूदिया के बाद फिर उन्हीं का एक और फिरका शिया हजरात का ज़ैदिया में असुलेमानिया बना, एक और फिरका असालिया और बतरिया बना। ये ज़ैदिया शिया से फिर आगे कई और फिरके वजूद में आए जो आगे उनके विसाल के बाद फिर उनका वसी कौन होगा, यानी वसीयत और इमाम कौन होगा, फिर आगे हर हर फिरके ने अलग अलग इमाम के लिए वसीयत का दावा किया कि इमाम जैद बिन अली ने फुलां के लिए वसीयत की थी वो इमाम है, दूसरे फिरके ने किसी और के लिए वसीयत कही, तीसरे ने किसी और के लिए कही, तो हर जगह दावा वसीयत होता रहा हर एक के लिए, हर एक के पास एक दावा वसीयत था और वो कहते थे कि इमाम ने इनके हक में वसीयत की थी, दूसरा कहता था इनके लिए नहीं इनके लिए की थी, सो फिरके बनते चले गए। तो न वसीयत का मसला सदी 200 साल तक सेटल हुआ, न इमामत और खिलाफत का अकीदा एक पैकेज के तौर पे मुत्तफ़ा पैकेज बन सका। 300 साल के बाद ये जाके सेटल हुआ, एक अकीदा बना। अब उस अकीदे की बुनियाद पर वो जो सदर अव्वल है जमाना इस्लाम खुलफाए राशिदीन का, उन पर किस तरह फैसला किया जाए, जो अकीदा खुद 300 साल के बाद वजूद में आया है 3 सदियों के इख्तिलाफात के बाद, वो बात क्यों उलमा ने बनाया, फिर रिवायतें घड़ी मौजू और वो मनसूब कर दी आइम्मा के नाम। अब इसकी तीसरी मिसाल इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़कीया, जैसा कि मैंने अर्ज किया
कि इमाम मोहम्मद बिन अल हनफिया उन्होंने इमाम जैनुल आबिदीन के खिलाफ इमामत और खिलाफत का दावा किया। फिर इमाम जैद बिन अली ने हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के खिलाफ दावा इमामत और खिलाफत किया, और साथ बता रहा हूं कि उन्होंने उनकी तारीफ भी की, हजरत अली शेर खुदा की शहादत जैसी शहादत बनाई, हसनैन करीमैन की शहादत जैसी शहादत बनाई, उनके साथियों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाने की बात बताई। ये भी शिया हजरात की अपनी कुतुब में है। तो अगर उनके मुनकर काफिर हैं तो काफिर माना जाए या बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाने वाला माना जाए, काफिर माना जाए या उनकी शहादत मौला अली शेर खुदा जैसी शहादत मानी जाए, ये तो बोध अल मशरकैन है, एक मशरक का किनारा एक मगरब का, किस तरह जोड़ेंगे? इस तसव्वुर और अकीदे से बात ही नहीं बनती। फिर तीसरे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स जकिया, इन्होंने सैयदना इमाम जाफर अस्सादिक अलैहिस्सलाम के खिलाफ दावा इमामत और खिलाफत किया, इमाम जाफर सादिक के खिलाफ। यहां तक अब जो तीसरा फिरका वजूद में आ चुका था ये इमामिया कहलाए, इमामिया कहलाए। अब इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो नफ्स जकिया हैं, नसब इनका सुन लीजिए, मौला अली शेर खुदा के दो साहबजादे हसन और हुसैन, इमाम हुसैन के साहबजादे जैनुल आबिदीन इमाम मोहम्मद बाकर इमाम जाफर सादिक अलैहिम सलाम, मोहम्मद जाफर सादिक। बिल्कुल इधर इमाम हसन के साहबजादे इमाम हसन अल मुसन्ना, इमाम अब्दुल्ला अल महज और इमाम मोहम्मद अल मारूफ नफ्स जकिया। तो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स जकिया और इमाम जाफर सादिक कजन है, आपस में कजन है। अब ये तो नसब हो गया इनका। अब इसमें बड़ी अजीब बात एक और भी है, आप देखेंगे कि जब ये अकीदा इमामत का मखसूस मनसूस इमामत और मासूम का एक वजह हो गया तो सारी इमामत 12 के 12 इमा की सिर्फ इमाम हुसैन की औलाद में मुंतकिल कर दी, एक इमामत भी इमाम हसन मुज्तबा की औलाद को नहीं मिली। ये फैसले किसने किए? अगर कहें वसीयत से हुए तो वसीयत पर तो 300 साल 100 इख्तलाफात हुए, हर मकाम पर वो भाई वसीयत को मानते नहीं रहे, एक ने कहा की है मेरे लिए, दूसरे कहा मेरे लिए की है, तीसरे ने कहा की कोई नहीं है, हर जगह वसीयत पर इख्तलाफ है। इमाम हसन मुज्तबा भी मौला अली शेर खुदा के बड़े बेटे, बड़े बेटे, तो फिर बड़े बेटे की औलाद के अंदर इमामत चलती, छोटे शाहजादे हैं इमाम हुसैन, सारे इमाम उनकी औलाद से, और इमाम हसन मुज्तबा की औलाद के लिए इमामत का दरवाजा बंद। क्यों? उसकी वजह बड़ी वाजह है कि चूंकि उन्होंने मुसालहत की थी हजरत मुआविया के साथ, ये नाराजगी बाद के लोगों ने चूंकि इस पर नाराजगी की तो उनकी पूरी औलाद को इमामत नहीं दी। अगर इस नाराजगी से उनकी औलाद को इमामत नहीं मिलनी थी तो सबसे पहले खुद इमाम हसन मुज्तबा को इमामत से बर्खास्त किया जाता। हजरत मुआविया के हाथ पर बैत करने की खता में, जुर्म में उन्हें इमामत से बर्खास्त किया जाए सबसे पहले, फिर उनकी औलाद को मरूम किया जाए, वो बरकरार रहे जिन्होंने अमल किया हजरत मुआविया से सुलह करने का, वो बरकरार रहे, औलाद महरूम हो गई। हम सबको इमाम मानते हैं, ये बात समझने वाली, वो जो आइम्मा अहले बैत अतहार हैं उनके दर्जे बड़े बुलंद हैं, मगर बाकी भी हुजूर की उम्मत के सारे मुत्तकी साले जो आरिफ हुए सब इमाम हमारे सर का ताज हैं, हसनी भी इमाम हुसैनी भी इमाम। हजरत नफ्स जकिया का सुन लें, पहले इनका दर्जा सुन लें। किताब शिया हजरात की मकातिल उत्तालिबीन अबुल फरज अस्फहानी की सफा 333 तज़करा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अल हसन मतबूआ बैरूत, उसमें वो बयान करते हैं खुद शिया हजरात की किताब में कि ये इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स जकिया काना मिन अफदल अहले बैत, हुज़ूर की अहले बैत में अफजल फर्द थे, व अकबर अहले जमाने ही फी इल्म ही बे किताबिल्लाह व हिफ्ज़ ही, और अपने जमाने में सबसे ज्यादा आलम इल्म रखने वाले थे, सबसे बड़े आलिम थे कुरान में, उसके हिफ्ज में, फिक्र दीन में, शुजात में, और फिर तमाम उमूर में,
कितने मुत्तकी परहेजगार आलिम आरिफ शुजा और साहिब तकवा और साहिब इल्म व फरासत थे कि मकातिल तालिबीन में शिया हजरात की मोतबर किताब में वो लिखते हैं कि हत्ता के उनको अपने खानदान अहले बैत में महदी कहा जाता था हजरत नफ्स ज़कीया को, हत्ता लम युशक अहद अन्नुल महदी, किसी को शक नहीं रहा था वो इसको महदी कहते थे और ये बात आम थी। और हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़कीया उनका दर्जा फिर यह था कि तमाम बनु हाशिम ने, नंबर एक बनु हाशिम और आले अबी तालिब ने, कुल आले अबी तालिब और आले अब्बास ने और सारे बनु हाशिम में ये जो थे, इन्होंने हजरत नफ्स ज़कीया के हाथ पर बैत कर ली थी, इनको इमाम मान लिया था। अब ये किताब के अंदर दर्ज है, इनको बैत कर ली थी, इमाम मान लिया था और इनको इमाम मानते रहे, महदी अहले बैत समझते रहे उस वक्त तक जब इमाम सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नफ्स ज़कीया को सल्तनत नहीं मिलेगी, इशारा हो गया ना भाई ये शहीद हो जाएंगे, इनको सल्तनत नहीं मिलेगी, सल्तनत बनु अब्बास के पास रहेगी, तो उसके बाद फिर इख्तिलाफ शुरू हो गया। आपके फरमान से कबल कुल बनु हाशिम आले अबी तालिब आले अब्बास सब ने मुत्तफका आपके दस यकदस पर सिवाय सैयदना इमाम जाफर सादिक के सब ने बैत कर ली थी और इमाम मान लिया था। अब उसूल काफी के अंदर है, अगली इबारत सुनिए, उसूल काफी बड़ी अहम इबारत। जब नफ्स ज़कीया गिरफ्तार हो गए, आप जिहाद के लिए निकले, इमामत और खिलाफत का दावा किया, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़कीया जब गिरफ्तार हो गए और आपके साथ आप पर मजालिम ढाए गए, तकलीफें हुई, तो उस वक्त किसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, जिसे बाब जिब्रील कहते हैं, उस पर खड़े थे और इस हाल में खड़े थे। और ये जो रिवायत है अब्दुल्ला बिन इब्राहिम जाफरी ने की, वो कहते हैं हमें हजरत खदीजा बिन उमर बिन अली ने ये रिवायत सुनाई उसूल काफी में शिया हजरात में, कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पर लोग खड़े थे बाब जिब्रील पर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और इस हालत में थे कि आपकी रिदा का बेशतर हिस्सा चादर का जमीन पर था। फिर आप मस्जिद के दरवाजे से अंदर चले गए, वहां लोग जमा थे। जब आप गिरफ्तार हुए हजरत नफ्स ज़कीया और उन पर मजालिम शुरू हुए, आपको खबर हो गई, आप जलाल में और नाराजगी में आपने कलिमात कहे, काफी कलिमात के बाद आप बाहर तशरीफ लाए, इस तरह के जब चले तो आपका एक जूता मुबारक आपके हाथ में था, एक आपने पहना हुआ था और आपकी रिदा मुबारक का बेशतर हिस्सा जमीन पर था। आप अपने घर में तशरीफ लाए, हजरत नफ्स ज़कीया की गिरफ्तारी और उनकी शहादत का तस्करा सुन के, और उस गम में 20 रोज तक आपको बुखार हो गया, मुबतला गम रहे, हजरत नफ्स ज़कीया की गिरफ्तारी और उन पर होने वाले मजालिम का सुनकर 20 रोज तक सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बीमार रहे और रात दिन इतना गिरिया फरमाया उनके गम में और उनकी मोहब्बत में कि हमें अंदेशा हो गया कि शायद आप विसाल फरमाना जाए, वफात ना हो जाए। 20 दिन। अब वो उस नफ्स ज़कीया, इमाम नफ्स ज़कीया के गम में 20 दिन गिरिया फरमा रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं, जो इमाम जाफर सादिक के मुकाबले में उनकी इमामत को नहीं मान रहे, अपनी इमामत और खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं। अब उसूल के तहत जो इमाम जाफर सादिक की इमामत का इनकार करे और उनके मुकाबले में अपनी इमामत का ऐलान करे, वो तो काफिर हो जाता है, वो तो जहन्नमी हो जाता है। उसके लिए दुआएं करना, 20 दिन तक गम करना, रोना, ये माना दार। अब इसको उम्दा तो तालिब में हजरत इमाम जाफर सादिक का कौल सुन लें नफ्स ज़कीया के बारे में, उम्दा तो तालिब फी अंसाब आले अबी तालिब, सफा 104, अखबार मोहम्मद जिन नफ्स ज़कीया मतबूआ कुम, कुम की छपी हुई किताब तबा जदीद। इमाम जाफर सादिक ने एक मरतबा हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़कीया घोड़े पर सवार थे, नफ्स ज़कीया और सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उन्होंने उनके घोड़े की रकाब थामी हुई थी, साथ चल रहे थे।
हजरत नफ्स ज़किया घोड़े पर सवार थे, सीधा इमाम जाफर सादिक उनके घोड़े की रकाब पकड़ के खड़े थे, यहां तक कि नफ्स ज़किया सवार हो गए घोड़े पर। आपके शियान में से जो शिया थे, शियान इमाम जाफर सादिक, उनमें से जब किसी ने यह अमल देखा, उन्होंने एतराज किया कि इमाम जाफर सादिक, आपके मुकाबले में यह इमामत और खिलाफत का दावा करने वाला आपका कजन, आप इसके घोड़े की रकाब थाम के खड़े हैं और यह घोड़े पर सवार हो रहा है, हमें तो यह बात गवारा नहीं है। जब इमाम जाफर सादिक ने यह बात सुनी तो आप जलाल में आ गए, फरमाया वही हक, फरमाया तुझ पर अफसोस है, तेरी तबाही हो, ये नफ्स ज़किया हम अहले बैत के महदी हैं, ये अहले बैत के महदी हैं, हुवा महदीना मिन अहले बैत। अब ये आपने कलाम सुन लिया नफ्स ज़किया की शान के बारे में सीधा इमाम जाफर सादिक का और दीगर का। अब इनका देखिए कि ये नफ्स ज़किया इमाम जाफर सादिक के मुकाबला में अपनी इमामत और खिलाफत का ऐलान करते। किताब का नाम है नासिखुत तवारीख, जो रेफरेंस दे रहा हूं, नासिखुत तवारीख, हालात, हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, जिल्द दो, सफा 327, और उसके अंदर फसल है हालात अब्दुल्ला अल महज, मतबूआ तेहरान। अब ये पूरा रेफरेंस नासिख तवारीख का लेकर अब सुनिए, उसमें बयान करते हैं कि जब बनु मैया के दौर पर जवाल आ गया और बनु मरवान कमजोर हो गए, तो बनु हाशिम इस अमर पर मुत्तफिक हो गए थे कि जनाब अब्दुल्ला अलमाज के साहबजादे हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अन्नफ्सु ज़किया और उनके फिर भाई इब्राहिम, उनकी बैत कर ली जाए। अब ये नासिख तवारीख का रेफरेंस दे रहा हूं, पूरे बनी हाशिम, बनु मैया के जवाल के बाद, बनु अब्बास अभी इक्तदार पे नहीं आए थे, जब वो कमजोर हो गए, देखा उनके इक्तदार का अब सूरज गुरूब हो रहा है, तो तमाम बनु हाशिम इस बात पर मुत्तफिक हो गए, उनका इजमा हो गया था कि हजरत अब्दुल्ला महज के बेटे नफ्स ज़किया की बैत कर ली जाए और उनमें से दो भाइयों में से किसी एक को, यानी हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलमाज और दूसरे हजरत इब्राहिम बिन अब्दुल्ला अलमाज, इनमें से किसी एक को खिलाफत की जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं बनु हाशिम की तरफ से। लिहाजा उन्होंने एक मजलिस का इनेकाद किया, पूरा इज्तिमा हुआ बनु हाशिम का, बनु हाशिम के तमाम बुजुर्ग और कुछ बनु अब्बास के लोग भी उस मजलिस में शरीक हुए। उन्होंने किसी के जरिए सैयदना इमाम जाफर सादिक को बुलवा भेजा। इमाम हजरत अब्दुल्ला अलमाज ने कहा कि इमाम जाफर सादिक को बुलाने का फायदा नहीं, वो तशरीफ नहीं लाएंगे और वो तुम्हारी राय के हक में नहीं है, चूंकि तुम नफ्स ज़किया को इमाम और खलीफा बनाना चाहते हो, वो नहीं मानेंगे। मगर इसी दौरान सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले आए, दरवाजे में मजलिस में बैठ गए और लोगों से पूछा कि क्या इजलास हो रहा है, किस मौजू पर, तो लोगों ने बताया ये माजरा है कि नफ्स ज़किया के हाथ पर बैत करने के लिए बनु हाशिम का इजमा हो चुका है। सीधा इमाम जाफर सादिक ने हजरत नफ्स ज़किया के वालिद हजरत अब्दुल्ला अल महज को मुखातिब किया, मुतवज्जो होकर फरमाया अब्दुल्ला तुम बनु हाशिम के बुजुर्ग आदमी हो, आपको क्यों छोड़ा जा रहा है और आपकी बजाय आपके लड़कों को अमरे खिलाफत क्यों सपुर्द किया जा रहा है। आगे हजरत जनाब अब्दुल्ला अलमाज ने कहा कि ए मेरे भतीजे जाफर सादिक, आप इस बहस में न पड़े, हाथ बढ़ाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप इमाम और खलीफा बने तो बहस में न पड़े, हाथ बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूं। हजरत अब्दुल्ला अलमाज ने कहा, ये सुनकर इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अल्लाह की कसम, खिलाफत का मामला न तो मुझे जेबा है, न मुझे जेबा है, न तुम्हारे साहबजादों के लायक है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया ये खिलाफत ना मेरे लिए है ना तुम्हारे साहबजादों के लिए, ये तो जर्द कबा वाले का हक है। इशारा बनु अब्बास की तरफ किया था।
और फिर आपने कहा कि जो तमाशा होगा इस खिलाफत के नाम पर हुकूमत से, जद कबाब वालों का हक है, और खुदा की कसम इसके साथ औरतें बच्चे और गुलाम तक खेलेंगे। मगर इमाम जाफर सादिक ने हाथ नहीं बढ़ाया अपने दस्त यकदस्त पर इमामत और खिलाफत की बैत लेने के लिए, और नफ्स ज़किया की भी बैत नहीं की। अब ये तमाम रेफरेंसेस और हवाला जात जो हैं, इनसे यहां तक भी आता है किताबों में मकातिल उत्तालिबीन में अबुल फरज अल अस्फहानी की सफा 256-257 कि एक इजलास उन्होंने मुकाम अबवा पर भी किया जहां सैयद आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ, और फरमाते हैं कि तमाम बनु हाशिम का इजलास हुआ, और उस वक्त उन्होंने कहा कि बनु उमैया का सूरज गुरूब हो रहा है जवाल का, और लोगों की आंखें तुम पर लगी हुई हैं, और तुम मुत्तफ़ा तौर पर किसी एक की बैत कर लो और उसे इमाम और खलीफा डिक्लेयर कर दो, फिर इधर उधर शहरों में फैल जाओ, लोगों को अल्लाह के दीन के लिए बुलाओ, तो अल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर कर देगा। इस पर अबू जाफर ने कहा, तुम किस चीज के लिए अपने हाथ को धोखा में डाल रहे हो? खुदा की कसम तुम यकीनन जानते हो कि अवाम में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़किया से बढ़कर कोई और शख्स काबिल तवज्जो नहीं। अब ये फरमा रहे हैं, और उनसे ज्यादा कोई दूसरा मुअस्सिर नहीं हो सकता। तो सारे उन्हें सुनकर कहा कि फिर आपने सच फरमाया, अल्लाह की कसम हम आपकी बात को हक मानते हैं। फिर तमाम हाजरीन और बनु हाशिम ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़किया की बैत कर ली। यानी अल्फाज आते हैं, जब उन्होंने फरमाया तो कहा, कालू कद वल्लाह सदक्त इन्ना लनालम हाजा फबायऊहु जमीअन मुहम्मदन वबायऊ इब्राहिम अल इमाम सफा बिन रसूल बकुल्लो। फिर उसूल काफी में भी अल्फाज आए हैं, उसूल काफी उसमें भी इसी तरह, जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उन्होंने जहूर किया और लोगों को अपनी बैत के लिए बुलाया तो लोगों ने बैत की, और उसूलुल काफी में दर्ज है वलम यख्तलिफ अलैह करशियुन वला अंसारियुन वला अरबियुन, न कुरैशियों में से कोई पीछे रहा, न अंसारियों में से, न अरबियों में से, हर हर फर्द ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़किया की इमामत और खिलाफत पर बैत कर ली। कुल कुरैशियों, अंसारियों और अरबियों ने बैत कर ली। ये उसूल काफी में है। मैंने अर्ज किया जैसे कि सिवाय सीदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के, तो अब उनकी इमामत और खिलाफत के खिलाफ हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़किया इमामत और खिलाफत का ऐलान भी कर रहे हैं, और कुल बनु हाशिम और बनु अब्बास और आले बनी तालिब और कुरैशी और अंसारी सारे के सारे उनके हाथ पर बैत भी कर रहे हैं, और इमाम जाफर सादिक उनके खिलाफ भी कोई मुजाहमत नहीं कर रहे, खामोश घर बैठे हैं। फिर वो जिहाद के लिए भी निकले हैं और उनकी तारीफें भी कर रहे हैं, उनके लिए रो भी रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। अब ये जो सारे चीजें हैं, अगर इमामत और खिलाफत का मसला मंसूस होता, मंसूस मिन अल्लाह, और ये अहले खानदान के मुशावरत से इसका कोई ताल्लुक ना होता, कबाइल की मुशावरत से कोई ताल्लुक ना होता, शूरा से कोई ताल्लुक ना होता, बामी मशवरा और राय से इसका तायुन ना होना होता, मंसूस मिन अल्लाह होती, तो सीधना इमाम जाफर सादिक हजरत अब्दुल्ला अलमास को कह रहे हैं, आप हाथ बढ़ाएं मैं बैत करता हूं। फरमाते हैं, मेरे लिए नहीं, ना आपके बेटों के लिए, ये वो ले जाएंगे। फिर सारा खानदान बैत कर रहा है। इससे यह पता चलता है कि यह मंसूस तसव्वुर इमामत और खिलाफत उस इमाम जाफर सादिक के जमाने तक अहले बैत में, बनु हाशिम में, आले बनी तालिब में, बनु अब्बास में, कुल करशियों में, कुरैशियों में उस वक्त तक यह अकीदा एग्जिस्ट नहीं करता था, वरना उनकी मजालिस में चीज डिस्कस होती कि कौन सी बैत कर रहे हो, क्यों इज्तिमा कर रहे हो, क्यों मशवरे कर रहे हो, यह इमामत तो मंसूस है, यह खिलाफत मंसूस मिनल्ला है, इसकी तो वसीयत हो चुकी, ये फुला के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो कुल बनु हाशिम कहते हैं, लम यख्तलिफ फीह अहदुन, इसमें एक शख्स ने भी इख्तलाफ न किया, सब मुज्तमे हो गए सिवाय सीधना इमाम जाफर सादिक के। तो सारों ने बैत कर ली।
तो इससे बड़ी बात वाजे हो जाती है कि यह अकीदा इमामत व खिलाफत उन आइम्मा के जमाने तक भी मनसूस तसव्वुर नहीं होता था और वसीयत की बुनियाद पर मुअय्यन मुत्तफ़ाका नहीं था। इस मौजू के ऊपर इख्तलाफात थे और कई इज्तिमा औरों के ऊपर होते रहे, मगर इमाम दूसरों को माना गया। और मैं इस बात को खत्म करने के लिए, ताकि आगे इस मौजू की तरफ आ जाऊं, दूसरा हिस्सा ले लूं। इसी तरह इमाम मूसा काजिम के खिलाफ भी, उनकी इमामत और खिलाफत के खिलाफ हजरत हुसैन बिन अली, उन्होंने अपनी इमामत और खिलाफत का ऐलान किया, वो भी खड़े हुए। इनका नसब भी सुन लीजिए कि ये तो इमाम मूसा काजिम का नसब मुबारक तो मालूम है हर एक को, ये सीधना इमाम जाफर सादिक के शाहजादे और छठे इमाम हैं। और इमाम हुसैन बिन अली बिन इमाम हसन अल मुसल्लस बिन इमाम हसन अल मुसन्ना बिन सैयदना इमाम हसन अल मुज्तबा बिन अली इब्न अबी तालिब, ये इनका नसब है। और ये दोनों आपस में कजन हैं, हुसैन इब्न अली और इमाम मूसा काजिम बिन जाफर सादिक, ये दोनों कजन हैं। अब आपने देखा कि जब इमाम मूसा काजिम का वक्त आया तो उनके कजन इमाम हुसैन बिन अली ने इमामत और खिलाफत का दावा किया, वो मैदान में आए और उनके अकीदे इसी तरह उनके उनके पीछे फिरके बने। और ये जो इमाम हुसैन बिन अली थे इमाम मूसा काजिम के मुकाबले में दावा करने वाले इमामत और खिलाफत का, उनके लिए इमाम तकी के अल्फाज सुन लीजिए। सैयदना इमाम तकी अलैहिस्सलाम, किताब है मुंतखबुत तवारीख, दर जिक्र हालात बाज़े अज असाब हजरत इमाम मूसा काजिम, मतबूआ तेहरान तबा जदीद, के वाकया करबला के बाद जो हुसैन इब्ने अली, अल्लाह की शान है सीधना इमाम हुसैन भी हुसैन इब्ने अली थे, और ये जो इमाम मूसा काजिम के मुकाबले में इमामत पर खड़े हुए ये भी हुसैन इब्ने अली थे, ये नसब में छठे थे। इमाम तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वाकया करबला के बाद हमारे ऊपर यानी सादात पर और अहले बैत नबवी पर इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ जितना हुसैन इब्ने अली के काफिले पर हुआ, हम अहले बैत पर इतना बड़ा वाकया वाकया करबला के बाद कोई पेश नहीं आया। जो लश्कर शुहदाए कराम के, चूंकि इनके सर भी काटे गए, इनके इन्होंने जब इमामत और खिलाफत का दावा किया तो इनके सरों को भी मूसा बिन ईसा और अब्बास बिन नबी मोहम्मद के पास काट कर नेजों पर लाया गया। उस वक्त सैयदना इमाम मूसा काजिम तशरीफ फरमा थे, जब उन्होंने देखा, जब ये शहीद हो गए सैयदना इमाम हुसैन बिन अली जिन्होंने इमामत और खिलाफत का दावा किया था इमाम मूसा काजिम के खिलाफ, तो सैयदना इमाम मूसा अल काजिम ने फरमाया खुदा की कसम ये शख्स पूरी दुनिया से बढ़कर मुसलमान था, पूरी दुनिया से बढ़कर साले था और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजे रखने वाला था, आमाले सालेहा करने वाला था, बुराइयों से रोकने वाला था और हसनी सादात में पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसल न थी। और फिर कैदी सैयदों को खलीफा हादी के यहां ले जाया गया और उन तमाम कैदियों को कत्ल कर देने का हुक्म दिया गया। तो ये सारा वाकया मुकाम फख पर पेश आया, ये मदीना तैयबा से बाहर है और मुकाम फख पर जहां हजरत हुसैन इब्ने अली शहीद हुए इमामत और खिलाफत के दावे के नतीजे में, और इमामत और खिलाफत जिन्होंने दावा किया इमाम मूसा काजिम के मुकाबले में, ये शहीद हुए मुकाम फख पर। और शिया हजरात की किताब मकातिलु तालिबीन में आता है, आखिरी रेफरेंस दे रहा हूं, इसी तरह के ये मामलात सीधा इमाम हसन अस्करी तक चलते हैं। हर इमाम के मुकाबले में उनके कजन अहले बैत के वो खिलाफत का इमामत का दावा करते रहे, शहीद हुए। अब कल मैंने इजमालन तारीख का जिक्र कर दिया था, आज मैं हजरात शिया की मोतबर तरीन कुतुब से एक एक चीज बयान कर रहा और उस पर फिरके बनते रहे फिर, और यह अमल इमाम हसन अस्करी तक रहा। मकातिलु तालिबीन में कहते हैं जैद बिन अली से रिवायत है कि एक रोज आका अलैहिस्सलाम अपनी हयात मुबारका में सहाबा कराम को लेकर मुकाम फख पर गए और वहां जाकर आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। अब ये शिया हजरात की किताब मकातिलु तालिबीन में
अबुल फरज अल अस्फहानी की, सफा 436, तज़किरा अब्दुल्ला बिन इसहाक, मतबुआ बैरूत। फरमाते हैं कि सहाबे कराम को ले जाके नमाज जनाजा पढ़ाई। قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى موضع فخ فصلى باصحابي صلاه الجنازه ثم قال يقتل ها هنا رجل من اهل بيتي في اصابه من المؤمنين ينزل لهم باكفان وهنوت من الجنه تسبق ارواحهم واجسادهم من الجنه وذكر من فضل اشياء لم تحفظها ريته ريته راويه ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آ کر اسلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا اس مقام پر मेरी अहले बैत का एक शख्स शहीद होगा, बहुत से उसके साथ मोमिन शहीद कर दिए जाएंगे और उनके कफन दफन का सामान जन्नत से आएगा। याकर इस्लाम ने सहाबा कराम को ले जाकर हजरत हुसैन इब्ने अली के मुकाम में शहादत पर जनाजा पढ़ाया था। दुआ कराइए, शिया हजरात की रिवायत है, मैं उसी किताब से कोट कर रहा हूं। जन्नत से कफन दफन का सामान आएगा और उनके जिस्मों को रूहों से पहले जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और भी आकर इस्लाम ने उनके बहुत फजाइल बयान किए। अलगरज इस तरह की बेशुमार तफसीली रिवायात हैं। फिर जब इमाम सैयदना इमाम अली रजा का वक्त आया, इमाम अली रजा जिनका मजार एकदस मशहद मुकद्दस में है ईरान में, जब उनका दौर था तो उनके सामने उनके कजन सैयदना मोहम्मद बिन जाफर ने इमामत का दावा किया। मोहम्मद बिन जाफर ने इमाम अली रजा के खिलाफ दावा इमामत व खिलाफत किया। तो इसी तरह और फिरक़ो शिया में जिन्होंने इमाम अली रजा के खिलाफ दावा किया था मोहम्मद बिन जाफर, उनके बारे में शिया कुतुब में आया है कि उनको कहा जाता था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबी हैं, ये शबी रसूल हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मकातिरु तालिबीन में आता है कि मोहम्मद बिन जाफर और उनके सब रुफका खैर पर थे। जब इमाम अली रजा का दौर आया तो सिर्फ मोहम्मद बिन जाफर नहीं, कई और हजरात अहले बैत अथार में से कई औरों ने भी दावा इमामत किया इमाम अली रजा के मुकाबले में। उनमें मोहम्मद बिन जाफर भी थे, मोहम्मद बिन इब्राहिम, इन्होंने कूफा में ऐलान किया इमाम अली रजा के मुकाबले में। मोहम्मद बिन सुलेमान ने इमाम अली रजा के मुकाबले में मदीना तैयबा में इमामत का दावा किया। इमाम अली बिन मोहम्मद ने बसरा में दावा इमामत किया इमाम अली रजा के खिलाफ। जैद बिन मूसा ने भी दावा इमामत किया बसरा में। इब्राहिम बिन मूसा ने यमन में दावा इमामत किया इमाम अली रजा के खिलाफ। और मोहम्मद बिन जाफर ने मक्का मुजमा और हिजाज में दावा किया इमामत और खिलाफत का इमाम अली रजा के खिलाफ। ये तमाम रेफरेंसेस जो मैंने कोट किए ये शिया कुतुब से हैं, इनमें कोई एक हवाला मैंने अहले सुन्नत की कुतुब से नहीं दिया। और जब इमाम हसन अस्करी, एंड पर आ जाता हूं, इमाम हसन अस्करी का दौर आया, उनके खिलाफ अली बिन जैद ने दावा इमामत किया। सीधा इमाम हसन अस्करी के खिलाफ अली बिन जैद ने दावा इमामत किया। अब जो बात वाजे होती है, अब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 11वें इमाम है, तो जब 11वें इमाम तक बीसियों अकाबिर अहले बैत अतहार के बनु हाशिम के सादात अलवी हसनी और हुसैनी दावा इमामत करते रहे हर एक इमाम के 11वें इमाम तक उनके मुकाबले में, इससे मैं अइमा अतहार अहले बैत की इमामत की नफी नहीं कर रहा, मैं तो उनको इमाम मानता हूं, यह बात क्लियर कर दूं। बहस हो रही है उस अकीदा इमामत और खिलाफत की जो मनसूस मिनल्ला तसव्वुर किया जाता है, जिससे वो अंबिया की तरह मासूम तसव्वुर होते हैं और उनका इनकार करने वाला माजल्ला फिर काफिर तसव्वुर किया जाता है, गासिर तसव्वुर होता है और फिर खुलफाए राशिदीन पर जुबान तान दराज होती है। मैं ये नुक्ता समझा रहा हूं कि यह अकीदा इमामत और खिलाफत, इसका 300 साल तक अइमा था 11वें इमाम के जमाने तक वजूद नहीं था। अहले बैत में, बनु हाशिम में, आले अबी तालिब में, बनु अब्बास में, अलवियीन में, सादात हसनिया में, सादात हुसैनी में वजूद नहीं था। इसी वजह से नित नए फिरके वजूद में आते थे। फिर इमामिया फिरका बना, शिया इमामिया, उनमें फिर एक और फिरका बना जो अल बाकरिया कहलाता था। वो सिर्फ इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तक खिलाफत और इमामत मानते थे। अब आप देखते आइए अकीदे में कितना फर्क था। सदियों लगे
गुजरी इस अकीदा की तश्कील में। और उनका ख्याल यह था सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के सिर्फ यही इमाम हैं, और जब इनका विसाल हो गया तो उन्होंने सैयदना इमाम जाफर सादिक को इमाम नहीं माना, इमामिया में कहा कि यह दोबारा इनका जहूर होगा, यह अब गैबत के दौर में है और दोबारा रजत होगी, रुजू फरमाएंगे। इसलिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ही इमाम गायब हैं, ये अलबाकिरिया कहलाया। और फिर इमामिया में से एक फिरका और फूट गया, उन्होंने कहा ये दोबारा नहीं आएंगे बल्कि इनके बाद अब इमाम जाफर सादिक हैं, तो ये इमामिया जाफरिया हो गया, ये अकीदा इमामिया जाफरिया बन गया। जब ये अकीदा जाफरिया बन गया इमामिया, तो अब इसके फिर आगे कई फिरके बन गए। इमामिया जाफरिया का एक फिरका नावूसिया बना, उनका अकीदा क्या था, जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो उसने कहा कि ये भी इनका जो विसाल हुआ ये गायब हो गए हैं, और ये मौत इनकी नहीं हुई, दोबारा जहूर होगा, और वहुवल कायमुल महदी, यही कायम और हुज्जत उम्मत हैं, ये दोबारा आएंगे। इमाम जाफर सादिक की निस्बत ये ख्याल बनाया। ये तमाम फिरक फिरक शिया को पढ़ें, शारिस्तानी की अलमिलल व नहल को पढ़ें, और अहले सुन्नत और अहले तशय्यो की जिस किताब को उठाएं जिसमें खवारिज के और अहले सुन्नत के या शिया हजरात के जो मुख्तलिफ फिरके जो वजूद में आए पूरे 300 साल में, जिसमें उसकी तफसीलात दर्ज हो, आप में किसी एक जगह बात इससे मुख्तलिफ नहीं मिलेगी, एक लफ्ज एक हर्फ मेरी कही हुई बात से मुख्तलिफ नहीं मिलेगा, हर किताब में मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये इमाम गायब हो गए और दोबारा आएंगे, कायम हुज्जत हैं, ये नावूस या बन गया, क्योंकि इस अकीदे को फैलाने वाला शख्स उसको नावूस कहते थे। फिर इमामिया जाफरिया में फिर एक और फिरका बना अफ्ताहिया, इन्होंने कहा इमाम जाफर सादिक के बाद कि अब उनके वसी यानी जिनके हक में वसीयत की उन्होंने इमामत की खिलाफत की, वसीयत पर 300 साल हर इमाम के बाद वसीयत पर इख्तलाफ रहा, तो जब वसीयत पर इतना इख्तलाफ है 11-12 इमामों की 300 साल तक इख्तलाफ है, तो उसमें एक इख्तलाफ मौला अली शेर हुदा की वसीयत का भी ऐड हो गया। यह इख्तलाफ वसीयत इनके हक में की, दूसरा ने कहा हमारे हक में की, तीसरे ने कहा मेरे हक में की, चौथे ने कहा किसी के लिए नहीं की, यह तो 300 साल रहा है वसीयत का इख्तलाफ, मनसूस मिन अल्लाह होने का दावा नहीं किया किसी ने, यह और ऐड हो गई बात। इसलिए अफ्ताहिया ने कहा कि इमाम मूसा काजिम अब इमाम नहीं है, बल्कि इमाम जाफर सादिक के बाद उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर सादिक वो इमाम है, और इनका लकब था अल अफ्ताह। ये अब्दुल्ला बिन जाफर सादिक अल अफ्ताह, उनको इमाम माना तो अफ्ताहिया हो गया। फिर शिया इमामिया जाफरिया में एक फिरका और बना इमाम जाफर सादिक के विसाल के बाद, उन्होंने कहा कि इमामत और वसीयत न इमाम मूसा काजिम के हक में हुई न अब्दुल्ला बिन जाफर के हक में। उन्होंने कहा इमाम मूसा काजिम, उन्होंने कहा इमाम जाफर सादिक ने अपने एक और बेटे इमाम मोहम्मद बिन जाफर सादिक मोहम्मद के हक में की थी, वो भी साहबजादे थे सैयदना इमाम जाफर सादिक, उनके हक में वसीयत की थी, लिहाजा वो इमाम है। और फिर उन्होंने रिवायत भी घड़ी, उन्होंने कहा रिवायत यह है कि इमाम जाफर सादिक ने कहा था कि तुम्हारा अगला जो इमाम होगा मेरे बाद उसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा, इस रिवायत को वजह की, तो रिवायतें भी वजह करते थे। जब देखो ना फिरके बन जाते हैं, अकीदे बन जाते हैं, उसको चलाना होता है, उसके लिए रिवायतें बनाते हैं लोग, पूरी सनदें बनाते हैं, रिवायतें बनाते हैं, तो उसके बगैर थोड़ा फिरका चलता है। तो ये 300 साल तक रिवायतें हर फिरका बनाता रहा, शिया हजरात में से हर कोई अपने हक में वसीयत बनाता रहा, रिवायतें बनाता रहा, अकवाल बनाता रहा, वो सारी चीजें जमा होती चली गई। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा अगला इमाम हुजूर के नाम पर होगा, मोहम्मद उसका नाम होगा, लिहाजा इमाम मूसा काजिम नहीं बल्कि इमाम मोहम्मद बिन जाफर सादिक इमाम है। तो जो फिरका इमाम मूसा काजिम को इमाम मानने वाला बना इमामिया जाफरिया में, उन्होंने भी एक कौल वजह किया, उन्होंने कहा कि इमाम जाफर सादिक ने कहा
कि मेरे बाद तुम्हारा अगला इमाम साहिब तौरात के नाम पर होगा, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर। एक ने कहा कि उन्होंने फरमाया था कि तुम्हारे नबी के नाम पर मोहम्मद उसका नाम होगा, दूसरे फिरके ने कहा कि नहीं मूसा अलैहिस्सलाम के नाम साहिब तौरात के नाम पर होगा। तो वो इमाम मूसा थे, मूसा काजिम, सो उन्होंने सैयदना इमाम मूसा काजिम को इमाम माना, तो एक और फिरका वजूद में आ गया। तो आप देखिए हर एक फिरके की बुनियाद इमामत थी और हर एक की इमामत की बुनियाद दावा वसीयत पर थी और इस पर कोई इजमा नहीं था, इत्तेफाक नहीं था, 300 साल इख्तलाफात रहे। चुनाचे नया फिरका जिन्होंने सैयदना इमाम मूसा काजिम को इमाम माना उसका नाम मूसविया रखा गया। इमामिया जाफरिया में से एक और फिरका निकला, फिर मूसविया बन गया। इमाम मोहम्मद को इमाम मानने वाले शुमैतिया कहलाए, शुमैतिया। एक और फिरका भी बना इमाम जाफर सादिक के बाद शिया का, इस्माइलिया। आपके एक साहबजादे इस्माइल भी थे, तो कईयों ने कहा कि नहीं इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम हजरत इस्माइल हैं, बिन जाफर सादिक। वो इस्माइलिया आप जानते हैं, आज तक वो एक इस्माइलिया फिरका एक चलता है, ये भी उसी दिन फूटा। एक ही वक्त में इमाम जाफर सादिक के जितने साहबजादे थे हर एक को इमाम मानने वाले एक एक फिरका बन गए। इमाम मूसा काजिम को इमाम मानने वाला एक फिरका बना, इमाम अब्दुल्ला बिन जाफर अल अफ्ता को इमाम मानने वाला एक फिरका बना, इमाम जाफर सादिक के साहबजादे इमाम मोहम्मद बिन जाफर को मानने वाला एक फिरका बना, हजरत इस्माइल बिन जाफर सादिक को मानने वाला एक फिरका बना। अल गरज जितने साहबजादे थे हर एक ने अलग अलग इमाम हर एक बेटे को बनाया साहबजादे को, और वो फिर रिवायात बनाई। फिर जो सैयदना इमाम मूसा काजिम के मानने वाले हुए, इस फिरके को उस वक्त मूसविया कहा जाता था, उन्होंने भी रिवायत बना दी कि तुम्हारा जो साहिब और कायम होगा वो साहिब तौरात के नाम पर होगा। फिर उसके बाद जब इमाम मूसा काजिम की वफात का वक्त आया, सुनिए, उसके बाद फिर फिरके बन गए। एक फिरके ने कहा कि फिर उनका विसाल नहीं हुआ, इनकी मौत नहीं हुई, ये गैबत में गए। तो हर इमाम के बाद अकीदा गैबत आया कि ये गैब हो गए और ये दोबारा आएंगे। तो ये अकीदा, इसको अलवाकिफा कहते हैं, इस अकीदे को शिया मूसविया अलवाकिफा, यानी तवक्कुफ किया। इन्होंने कहा गैबत हो गई इमाम मूसा काजिम की और दोबारा जहूर होगा। और दूसरा फिरका मूसविया कतईया बना, उन्होंने कहा कि नहीं कती तौर पे आपका विसाल हो गया, वापस नहीं आएंगे, लिहाजा इनके बाद अब अगला इमाम होगा। तो इमाम मूसा काजिम के बाद यहां तक छह इमाम हो गए थे, सैयदना मौला अली और मुर्तजा, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन, फिर इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद अल बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम। सात इमाम हो चुके थे, सात इमामों तक इसना अशरिया वजूद में नहीं आए थे। आज जो शिया मसलक है, इसना अशरिया, ये सातवें इमाम तक वजूद में नहीं आया था। ये बारह इमाम होंगे, ये इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के विसाल तक ये बारह इमाम इन नामों के साथ वजूद में नहीं था। उस वक्त तक ये फिरके थे जो सारे गिन के बता दिए। फिर जब सैयदना इमाम मूसा काजिम के विसाल के हक में जो तबका हुआ कि उनकी वफात हो गई, अब अगला इमाम आएगा, तो अगले इमाम के लिए फिर इख्तलाफात हुए। फिर जो बारह इमामों को मानने वाले उनमें फिर फिरके बने, तो सैयदना इमाम मूसा काजिम के बाद मारूफ एक फिरका बना कि उन्होंने कहा इमाम मूसा काजिम के बाद सैयदना इमाम अली रजा खलीफा है, इनका मजार एकदस मशहद में है, तो इमाम अली रजा को खलीफा माना। फिर उसके बाद जैसे है इमाम अली रजा के बाद इमाम मोहम्मद अत्तकी अल जवाद, उनके बाद इमाम अली बिन मोहम्मद अन नकी, दसवें और ग्यारहवें इमाम हसन अल अस्करी, और बारह फिर सैयदना इमाम मोहम्मद अल महदी। मगर इमाम मूसा काजिम के बाद फिर एक फिरका और बना, एक ने तो माना इमाम अली रजा को इमाम, एक फिरका और बना शिया इमामिया का, उन्होंने कहा जाफरिया का कि नहीं इमाम मूसा काजिम के बाद इमाम अली रजा नहीं है बल्कि इमाम अहमद बिन मूसा काजिम वो इमाम है। तो इनके एक भाई थे अहमद, एक बेटे थे अली, इमाम मूसा काजिम के अली रजा,
अलैहिस्सलाम, एक बेटे थे उनके अहमद बिन मूसा काजिम, तो एक फिरके ने कहा कि नहीं इमाम अब अहमद बिन मूसा काजिम ये इमाम है, तो ये एक अलग फिरका बन गया। फिर इसी तरह जब इमाम अली रजा के बाद इमाम मोहम्मद अत्तकी अल जवाद का आ गया, उनको इमाम माना, इमाम मोहम्मद अत्तकी अल जवाद, तो एक तबके ने इमाम मोहम्मद अत्तकी अल जवाद के बाद उनके शाहजादे साहबजादे सीदना इमाम अली अन्नकी को इमाम माना, जो मारूफ रिवायत चलती है आजकल शियों में, अली अन्नकी को। दूसरे ने उन पर इख्तिलाफ किया, एक और फिरका बना, उन्होंने कहा कि अली नकी इमाम नहीं मोहम्मद तकी जवाद के बाद, बल्कि मूसा बिन मोहम्मद अल जवाद इमाम है, उनके हक में वसीयत है। तो मूसा बिन मोहम्मद अल जवाद वो बन गए, एक इमाम अली नकी के हक में हो गए। फिर जब सैयदना इमाम अली नकी का विसाल हुआ, तो एक ग्रोह ने जो मारूफ है इमाम अली नकी के बाद, इमाम हसन अस्करी को इमाम माना, ग्यारहवें इमाम। मगर उसी वक्त एक फिरका फिर फूट हो गई, एक फिरका और हो गया, उन्होंने कहा कि वसीयत इमाम अली नकी ने इमाम हसन अस्करी के हक में नहीं की, बल्कि जाफर बिन अली अन्नकी के हक में की। तो एक और फिरका जाफरिया बन गया कि इमाम अली नकी के बाद अब इमाम हसन अस्करी इमाम नहीं, बल्कि जाफर बिन अली अन्नकी इमाम है। तो हर कोई वसीयत का दावा करता था, हर कोई इमामत का दावा करता था, तो उन्होंने ग्यारहवां इमाम आगे जाफर बिन अली अन्नकी को माना। तो जो तबका इमाम हसन अस्करी को मानता था, फिर ये आगे चले, एक और फिरका बन गया, उन्होंने कहा कि जाफर बिन अली भी इमाम नहीं और इमाम हसन अस्करी भी इमाम नहीं। उसने कहा कि एक और बेटे थे इमाम अली अन्नकी के, उनका नाम था मोहम्मद, मोहम्मद बिन अली, उन्होंने कहा वो इमाम है। तो एक फिरका मोहम्मद बिन अली अन्नकी को इमाम मानने लगा, चलते रहे। एक और फिरका वजूद में आ गया, एक और साहबजादे थे इमाम अली अन्नकी के, उनका नाम था हसन, ये एक बेटे थे जो हसन अस्करी, जो मैंने आपको बता दिया हसन अल अस्करी। एक ने मोहम्मद को माना, एक ने जाफर को माना, एक ने हसन अल अस्करी को माना। तो इस तरह अला अज़ल क़यास जब फिर इनकी अम्बात और विसाल हुए, तो फिर इख्तिलाफ हो गए। जब सीदना इमाम हसन अस्करी का विसाल हुआ, फिर ग्यारहवें इमाम का, उनके बाद फिर शिया हजरात के 11 फिरके बन गए। इमाम हसन अस्करी के विसाल के बाद फिर इमामत के ऊपर के कौन इमाम है नेक्स्ट, 11 फिरके बने। और हर कोई दावा करता था, कोई कहता था कि इमाम हसन अस्करी की विसाल नहीं हुई, गैबत है, दोबारा जहूर होगा। वही बात हर इमाम के लिए कही गई, दोबारा जाहिर होंगे। एक ने कहा, यानी वो कहते थे लम यमुत वहुवल कायम, फौत नहीं हुए, कायम है, गायब है, दोबारा आएंगे। एक ने कहा नहीं, इन्नल हसना मात, वफात हो गई। एक ने, एक फिरका कहता था वफात हो गई, मगर दोबारा जिंदा होंगे और दोबारा कायम होंगे। तीसरे फिरके ने कहा कि नहीं, हसन अस्करी वफात पा गए, जिंदा नहीं होंगे। अब उनका जानशीन नया इमाम जाफर बिन आगे, जाफर बिन हसन अल अस्करी है। ये बात हो रही है इमाम मोहम्मद अल महदी के मुकाबले में। अब इतने इमाम, 11 फिरके बने। वो मानते नहीं थे, वो कहते थे इमाम हसन अस्करी रजी अल्लाह तआला अन्हु बे औलाद गए, कोई उनके भाई को देता, कोई भतीजे को देता, कई मानते थे नहीं उनकी औलाद थी। जैसे सीधा इमाम मोहम्मद महदी के बारे में एक अकीदा शिया हजरात का मारूफ अकीदा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने अपने भाई जाफर बिन हसन अस्करी को इमामत दी, तो जाफर बिन हसन अस्करी इमाम होंगे। अल गरज इस तरह दावे चलते रहे और दूसरे फिरके उनका इनकार करते रहे। और फिर मारूफ तबका, इतने में फिर वो जंगें खत्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता, दावेदार फिरके वक्त के साथ साथ, जो फिरके खत्म होते गए वक्त के साथ साथ, एक फिरका जो इमाम हसन अस्करी के बाद इमाम मोहम्मद अल महदी को इमाम 12वां इमाम मानता था, ग्रेजुअली ये सर्वाइव कर गया आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि फूट हो गई ना, फिर आगे उन्होंने 11 इमाम बने, फिर और, फिर हर एक के बाद उनके आगे वसी और नए खलीफे, फिर आगे खलीफे, फिर इख्तिलाफ दर इख्तिलाफ दर इख्तिलाफ, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर डिजोल्व हो गए, खत्म हो गए। तो इस तरह 300 साल के अरसे में ये सारा कंसेप्ट सेटल हुआ। तो ये तमाम फिरके बने थे, वो फिरके अपने अपने वक्त के साथ खत्म हो गए और उनका वजूद ना रहा, और उनकी जगह ये सीदना इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम को 12वां इमाम समझने वाला ये जो एक फिरका था, ये इसना अशरिया, ये सरवाइव कर गया। अब
दुनिया ये समझती है कि शायद बस शायद ये 12 इमामों का ये जो अकीदा है ये मौला अली शेर खुदा के वक्त से चले आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये इमाम हसन अस्करी की वफात के बाद भी 11 दावेदार इमामत व खिलाफत के थे और फिरके थे या अकायद अलग थे, और ये बाद में सरवाइव किया। तो इस 300 साल के अरसे के दौरान और इसके बाद ये डेवलप करते रहे अकीदा इमामत और अकीदा खिलाफत। जब ये डेवलप हो गया, 3 सदियां लगी इसके इर्तिका में, इसकी तश्कील में, और आपने सारी हिस्ट्री देख ली। जब ये बन गया तो फिर ये कंसेप्ट बाद में बने कि ये इमाम वसीयत से होते हैं, मनसूस मिन अल्लाह होते हैं, उसका इनकार करने वाला काफिर हो। अब बाकियों को सारों को एलिमिनेट भी तो करना है ना। ये जो 300 साल तक अहले बैत अथार के, बनु हाशिम के, हसनी हुसैनी अलवी फातिमी, ये जो इतने दावे हुए तो उनको एलिमिनेट करना है ताकि पूरा केस क्लियर हो। तो ये सारे कंसेप्ट बाद में बने कि जो इनका इनकार करे वो काफिर होगा, जहन्नमी होगा, जो इनकी इमामत को ना माने वो काफिर होगा, और ये मनसूस मिन अल्लाह होते हैं और ये मासूम होते हैं, और जो इमाम है वही खलीफा होता है। अब सवाल हुआ कि 300 साल तक जो इमाम थे वही खलीफा होता है, तो वो तो कोई खलीफा बना ही नहीं, उनमें से किसी ने जिहाद ही नहीं किया खिलाफत के लिए, बनु मैया बनु बास को चैलेंज नहीं किया सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद 11 आइम्मा तक, तो कैसे होता है? तो तब तकिया का अकीदा वजा किया गया, तकिया कि वो तकिया करते थे, वो इनको तस्लीम नहीं करते थे, और जानबूझ के जंग नहीं लड़ी, मुकाबला नहीं किया, मगर माना नहीं उनको और छुपाया। अब ये तकिया भी जरूरत बन गई उनके खुरूज न करने, और 11 इमामों के अपने अपने वक्त के उमरा जालिम जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ जो जिहाद के लिए ना निकलने की वजह से जो इल्जाम लगता था, जो दीगर अहले बैत के जो इमाम निकलते थे जिहाद पर, वो इल्जाम लगाते थे उन पर कि घर में बैठने वाला इमाम नहीं हो सकता, जिहाद के लिए जब तक खुरूज ना किया जाए इमामत नहीं हो सकती, जिहाद को शर्त करार देते थे। जब 300 साल तक वो जिहाद के लिए निकलते रहे, अब उनको जब निगेट करना है कि वो इमाम नहीं, और वो इमाम है मासूम और मनसूस जो बाहर नहीं निकले, तो तब इस जरूरत को पूरा करने के लिए तकिया का एक अकीदा बनाना पड़ा कि उन्होंने तकिया किया और खामोश रहे, माना नहीं उनको, और ये तकिया उसका हिस्सा बन गया, दूसरे जो खुरूज करते रहे वो रद्द हो गए। तो देखिए, जब ये सारा अकीदा इमामत और खिलाफत का इस तरह वजूद में आ गया, तो इसका इतलाक फिर अहले बैत अतहार के उन बुजुर्गों कर भी किया, और फिर इसका इतलाक चूंकि पहले इमाम मौला अली शेर खुदा को इस माना में समझा गया, जबकि इस माना में मौला अली शेर खुदा ने खुद भी दावा नहीं किया था, और अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक खुतबा में भी एक कलेमा भी इरशाद नहीं फरमाया था कि इस माना में इमाम के मनसूस होता है, और मैं वो मनसूस इमाम हूं और इमाम मासूम हूं, और मेरी वसीयत के साथ मेरी इमामत थी और जो छीन ली गई वो काफिर हो गए। मौला अली शेर खुदा ने एक कलेमा पूरी जिंदगी में नहीं कहा, नहजुल बलागा समेत उनकी अपनी किताबों में इमाम हसन ने नहीं कहा, इमाम हुसैन ने नहीं कहा। जब यह अकीदा वजा हो गया, तो इसके वजा होने के बाद अब फिर ये जो इस अकीदे के खिलाफ जो नताइज बनते थे वो नताइज फिर सारों पर थोप दिए गए। एक मंतकी नतीजा बनता था कि इस लिहाज से जब इमामत का मतलब ये है कि जो इमाम हो वही खलीफा हो, और वो मनसूस मिन अल्लाह है और वसीयत के साथ होता है, और सो जो उसको इमामत का हक न दे, जो उसके खिलाफ जिसकी इमामत और खिलाफत का ऐलान हो, वो गसब करना है, और गसब करने वाले चूंकि मनसूस इमामत और खिलाफत को गसब कर रहे हैं, माज़ल्ला वो काफिर हो गए। ये पूरी कड़ी से कड़ी बनती चली गई जो 300 साल के बाद वजूद में आई, 300 साल के बाद। उससे पहले सियासी इख्तलाफ का तस्वुर हो सकता है, नुक्ता नजर के इख्तलाफ का तस्वुर हो सकता है, इस्तेहकाक का तस्वुर हो सकता है, मशवरा करने न करने का तस्वुर। ये इख्तलाफात वो हैं जो बिल्कुल जायज इंसानों के माबैन होते हैं, छोटे दर्जे के लोगों में होते हैं तो और अंदाज के साथ, बड़े ऊंचे दर्जे के लोगों में भी होते हैं। वो इख्तलाफ सहाबाए कराम में भी बाज मसाइल पर होते थे, और अहले बैत अतहार के अंदर भी बाज मसाइल पर हुए। खुद सैयदना मौला अली शेर खुदा और उनके चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनके दरमियान जायदाद पर इख्तलाफ हुआ,
हम वो फैसले के लिए सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए थे, हालांकि तमाम मामलात में हजरत अब्बास मौला अली शेर खुदा के साथ थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास साथ थे, बनू अब्बास बनू हाशिम पूरा एक कबीला था, उनके माबेन भी इख्तलाफ हो जाते थे। जब हजरत मुआविया के हक में विदड्रॉ करने का टाइम आया तो सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन के दरमियान भी इख्तलाफ हुआ, मगर बाद में सैयदना इमाम हुसैन खामोश हो गए बड़े भाई के अदब में। तो ये सारे 300 साल के इख्तलाफात मैंने बताए हैं, तो अहले बैत में भी होते, सहाबा कराम में भी होते, और बाज़ उमूर पर सहाबा कराम और अहले बैत के दरमियान भी हो सकते हैं, मगर उनकी हदें थी। ये नहीं था कि कुफर हो गया, इर्तिदाद हो गया, जालिम हो गए, गासिब हो गए, छीन गए। अगर ये अकीदा होता कि इमामत और खिलाफत मंसूस है अल्लाह की तरफ से, तो मौला अली शेर खुदा उस मंसूस मनसब की हिफाजत के लिए तलवार लेकर सैयदना सिद्दीक अकबर के खिलाफ मैदान में निकल आते, सैयदना फारूक आजम के खिलाफ मैदान में निकल आते, अगर मंसूस समझते। क्योंकि इस सूरत में मंसूस खिलाफत लोगों के मशवरे के साथ मनसूख नहीं हो सकती, मंसूस खिलाफत जो नस से साबित हो, फर्ज हो, वो लोगों के मशवरे से वो मनसूख नहीं होती, तलवार लेके निकल आते। वो जबरन या इकराहन या हिकमतन या मसलियतन किसी भी माना में सैयदना सिद्दीक अकबर के दस्त अकदस पर बैत ना करते। जैसे पीछे आप देखिए, मैंने तमाम मिसालें दी, इमाम मोहम्मद बिन हनफिया निकले हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इख्तलाफ किया है, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनके हाथ पर बैत नहीं की। हजरत इमाम जैद बिन अली निकले हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर से इख्तलाफ किया है, इख्तलाफ हुआ अपनी खिलाफत और इमामत का दावा किया, मगर इमाम मोहम्मद बाकिर ने उनके हाथ पर बैत नहीं की। इसी तरह नफ्से ज़किया को ले ले, इमाम जाफर सादिक के खिलाफ निकले हैं, इख्तलाफ किया है, मगर उनके हाथ पर बैत नहीं की। यह इमाम हसन अस्करी तक मामला चलता रहा है, इख्तलाफ हुए हैं, हर एक ने अलग उनके मुकाबले में खिलाफत और इमामत का दावा किया है। अब आप इसको जरा मुमासलत ले जाए ना, खुदा ना खास्ता अगर मनफी रंग से ले, तो ये सारी मुमासलत अहद खिलाफत राशिदा के साथ बनती। मैं तो नहीं समझता कि ये वो ऐसे वाकई हकीकत है, मैं बाद में बताता हूं, मगर अगर ये माना लेंगे तो किसी ने बैत नहीं की। तो जब सवाल ये पैदा होता है कि जब 10 इमाम निचले बैत नहीं कर रहे, तो सबसे पहले इमाम मौला अली शेर खुदा वो 25 साल तीनों खुलफा की क्यों बैत करते रहे? वो शेर खुदा थे, सबसे पहले फर्द थे, इमाम थे, उनको तो चाहिए था उसवा वजा करना, तरीका वजा करना, सुन्नत वजा करना, क्यामत तक मुसलमानों को रास्ता दिखाना। वो किस तरह किसी का तावन? अब ये जब तकिया कहते हैं तो तकिया कहां से आया? ये तो 300 साल बाद की जरूरत ने जन्म दिया तकिया के अकीदे को, फिर आपने उसकी तौजीहात की है ना सारी, क्योंकि ये एतराज आया तो उसके लिए कोई और तसव्वुर बना लिया, ये आया तो और तसव्वुर बना लिया, ये आया तो और तसव्वुर बना लिया। तो जिस तरह इन तमाम चीजों का दिफा करते हैं, यही दिफा असहाबाए कराम और खुलफाए राशिदीन की इज्जत का भी करें, सब आकल इस्लाम के शागिर्द हैं। अब जब यह बात आपके जहन में आ जाए, तो अब मैं इसका अगली बात शुरू करने से कबल, अब मैं ये अर्जी करना चाहता हूं कि इसका जवाब क्या है, ये जो सारी उलझन है इसका हल क्या है, पूरी उलझन, वो उस उलझन का हल अर्ज करता हूं। हल यह है कि इमामत और खिलाफत का मनसब यह मंसूस मनसब ही नहीं है, यह मबनी पर वसीयत मनसब ही नहीं है, कि इमाम का खलीफा होना लाजमी है यह जरूरी नहीं, सिर्फ इस चीज से यह सारा फितना पैदा होता है। अगर यह तसव्वुर कर ले तो तकिया की जरूरत नहीं रहती, इमाम बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, उन पर इल्जाम नहीं रहता कि वो क्यों नहीं निकले बाहर। पहली बात तो यह समझ लें कि ये सब इमाम थे, इमाम हैं, मगर वो इमाम उस माना में नहीं कि मंसूस हैं और वो खलीफा भी हैं और मासूम हैं, वो इमाम हैं दीन के इमाम, इल्म के इमाम, मारिफत के इमाम, तकवा के इमाम, जुहद और वरा के इमाम, विलायत के इमाम, रुश्द हिदायत के इमाम, वो सब इमाम इस माना में हैं।
और उनका जुहद और उनका तकवा और उनकी वरा और इल्म और मारिफत और इस्तिग़ना इतना कामिल था कि जब उन्होंने देखा कि हुक्मरान जो कुछ भी हैं इल्म में इतने मसरूफ हो गए कि उनको दुनिया की हिर्स और हवस और हुकूमत और जाओ मनसब की तलब ही नहीं रही, गरज ही नहीं रही, वो बेगरज हो गए थे। उनके नफ्स इस हिर्स से पाक थे, उनके दिल इस तलब से पाक थे, इसलिए कि वहां हर खलीफा किसी को कत्ल करके मनसब पे बैठ रहा था। खलीफा से मुराद हुक्मरान थे, बनू मैया में, बनू अब्बास में जंगे कर रहे थे हुकूमत के लिए, इक्तदार के लिए, लड़ लड़ के मर रहे थे इक्तदार के लिए। और ये वो हस्तियां थी जिन्हें उस तख्त पर बैठे बगैर विलायत के तख्त पर शारा पर हुक्मरानी नसीब थी। ये लोगों के दिलों के हुक्मरान थे, इन्हें पूरी जमीन पर रूहानियत और विलायत की ताजदारी नसीब थी। ये अपने एक एक सोबत से औलिया पैदा कर रहे थे, ये जोहद और वरा के चश्मे बहा रहे थे, ये तकवा तहारत और इल्म और मारिफत के दरिया बहा रहे थे। ये घर बैठे थे इसलिए कि इनकी बारगाह में इमाम आजम अबू हनीफा जैसी हस्तियां आके जानुए तलम्मुस तय करती थी। इमाम मालिक इनसे सीखते थे, इमाम शाफई एक वास्ते से इनसे तलम्मुस करते थे, ये इमाम अहमद बिन हंबल और ऐसे तमाम आइम्मा फिको मुज्तहिदीन के इमाम थे, औलिया इनकी खिदमतों में आते थे अपने वक्त के, अतबा उत्ताबीन इनकी खिदमत में आते थे, इनको उम्मत अपना उसवा समझती थी। इनकी रात सारी हजार नवाफिल में गुजरती, इनकी रात गुजरने की खबर न होती थी, इनकी लोअ रब से मिली रहती थी आइम्मा अथहार आले बैत की, इनके जिस्म जमीन पर होते रूहें अर्श मुअल्ला पर होती थी। इन्हें क्या गरज हुकूमतों से, इनको क्या हवस और हिर्स इन चीजों की और इक्तदार की बहसें और गोरख धंधे में पड़ना। इनकी इमामत विलायत काफी थी, तन जमीन पर थे, मन अर्श मुअल्ला पर थे, इनके जिस्म लोगों के साथ थे, इनकी रूहें रब की सोबत में थी, ये अतराफ व अकनाफ आलम इनकी निगाह में थे। अल्लाह के अनायत और एहसान का इन पर आलम यह था कि अगर ये किसी एक तरफ फूंक मार दे तो दुनिया जला के रख दे। इमाम जैनुल आबिदीन जैसी हस्तियां, खलीफा उमवी काबे का तवाफ करने के लिए आया, इतना हुजूम और इज्तिहाम था कि लोगों ने बैत हजर अस्वद का हाथ तक लगाने की इजाजत नहीं दी खलीफा वक्त को, इतना हुजूम था, किसी ने परवाह नहीं की। खुदा का घर है, वहां लोग कौन जानते हैं खलीफा वक्त हुक्मरान को, अल्लाह के घर में हरम काबा में वो खड़ा था। इतनी देर में देखा कि एक नौजवान आया है उसी काबतुल्लाह के हरम में, दुनिया छटती चली गई, रास्ते साफ हो गए, पूरा मताफ काबा। उसने तवाफ किया, हजर असद को चूमा, लोग दाएं बाएं गिरते चले गए, काबे का हजम हुजूम छट गया। खलीफा दंग रह गया कि ये कौन है, मैं हुक्मरान होकर कोई शख्स मेरे लिए कदम हटने को तैयार नहीं, इसके लिए पूरा मताफ और हरम काबा खाली हो गया, कौन है? उसके वज़रा ने कहा इसका नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है। ये असल हुक्मरान थे, ये खलीफा इस माना में थे, ये इमाम इस माना में थे जो लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता हो। इनसे सरकार गौसो आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फैजियाब होने वाले, इनसे बाजीद बुस्तानी फैजियाब होने वाले, इनसे मारूफ करखी फैजियाब होने वाले, इनसे सरी सकती फैजियाब होने वाले, इनसे हबीब अजमी फैजियाब होने वाले, ये वो लोग थे। इनसे जुनैद बगदादी फैजियाब होने वाले, इनके फयूजात की खैरात पर हजरत ख्वाजा अजमेर शहनशाह हिंद विलायत वो पलने वाले, इनकी खैरात पर शाह नक्शबंद पलने वाले, इनकी खैरात विलायत पर हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी पलने वाले, शर्क ता गर्ब दुनिया विलायत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर की मोहताज, इमाम हसन और हुसैन की मोहताज, जिस वली के लिए फातिमा ज़हरा अली शेर खुदा हसनैन करीमैन की रजा ना हो, खुदा की इज्जत की कसम उसे विलायत नहीं मिल सकती। और जिनसे अहले बैत हुजूर की मौला अली शेर खुदा फातिमा ज़हरा हसनैन कुरैन नाराज हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, रसूल की नबूवत और रिसालत की कसम, कुरान की हुर्मत की कसम, अगर किसी बड़े बुलंद रुतबा वली से सैयदा फातिमा ज़हरा नाराज हो जाए उसकी विलायत सलब हो जाए।
कोई वली अहले बैत के फैज के बगैर वली नहीं रह सकता। सालहियत इनके ताबे, सारे रुतबे इनके ताबे। ये इमाम इस मोहियत के थे, ये मुफ्त में जोड़ दिया इमाम और खलीफा, ये सलब हो गई, ये चिन गई, इनको इनका दर्जा गिरा दिया, फिर तकिया बना दिया, घर बैठा। ये सारे मफरूजे इनकी शान के खिलाफ थे। मौला अली शेर खुदा भी बेनियाज थे, ये आइमा भी बेनियाज थे, इनके मुकामात बुलंद थे। कोई वसीयत नहीं इमामत और खिलाफत की। यह अमर खिलाफत सारा शुराई अमर था, इमामत इनकी मुसल्लम है। उनकी भी बाकी भी सहाबा इमाम है, यह भी याद रख लें। इमाम का मतलब मुक्तदा है, मगर इनको हर एक को तख्सीस अता की अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने खसूसियत अता की। किसी को किसी मैदान में, किसी को इल्म में, किसी को तफक्को में, किसी को मारिफत में, किसी को जिहाद में, किसी को इंतजाम और इंसराम में, किसी को विलायत और रूहानियत में, अलग अलग तखस्सुस मिला। ये विलायत और रूहानियत की राह पे चले, मौला अली शेर खुदा से विलायत के दरवाजे खोले। तो इनकी विलायत औलिया की विलायत है, जिसकी वजह से बुनियादी तस्वुर अगर ये ज़हन नशीन कर लिया जाए तो इश्काल दूर हो जाते हैं। इसलिए ये ऐसे लोग नहीं थे कि दूसरों के साथ इनाद रखें, छोटी बातों पे झगड़े करते रहें, मुखालफत करें, इनके यहाँ ये तस्वुर नहीं था। अब मैं जो आज की गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा जो बड़ा अहम है कॉन्सेप्ट देने के लिए, कि जो अभी तक मैंने जो दो दिन गुफ्तगू की कि ये इमामत और खिलाफत का जो अकीदा था मनसूस कि अल्लाह की तरफ से रसूल की तरफ से नस पर कायम है और वसीयत पर कायम है, और मौला अली शेर खुदा के लिए वसीयत थी जिससे उनके उन्हें महरूम किया गया, यहाँ से गसब का तसव्वुर पैदा हुआ और खुलफाए राशिदीन के बारे में फिर बदअकीदगी पैदा हुई। जिस बात की तरफ मैं अपनी गुफ्तगू को ले जाना चाहूँगा वो तो फिर होगा कि असल तसव्वुर इमामत और खिलाफत क्या है, आया उसके लिए कोई वसीयत हुई या नहीं हुई। वो मनसूस तसव्वुर था यह तसव्वुर है या शुराई तसव्वुर है, यह मनसब मनसूस था या शुराई। और फिर उसके बाद जो खिलाफत राशिदा की हैसियत और शिया हजरात के दलाइल सैयदना अली शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम के इमाम और खलीफा होने के लिए वसीयत के हवाले से क्या हैं, और अहले सुन्नत का नुक्ता नज़र और दलाइल क्या हैं, उनमें तत्बीक क्या है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का इनेकाद कैसे हुआ, और सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके दस्त अक़दस पर बैत खिलाफत की या नहीं की, अगर की तो किस तरह की। ये वो मौजू है जिसकी तरफ हम अपनी गुफ्तगू को अगली नशिस्त में आगे बढ़ाएंगे, मगर उस अगली नशिस्त से कबल आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हुए मैं इतनी बात वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ कि आइम्मा अतहार अहले बैत, जो 11 आइम्मा अहले बैत हैं, उनका तज़किरा तो मैं कर चुका कि ये उनका मुकाम था इमामत में। लेकिन सवाल बाज़ ज़हनों में पैदा हो सकता है कि वो आइम्मा अहले बैत जो इस पूरे 250-300 साल के अरसे में जिहाद करते रहे, खुरूज करते रहे और शहीद होते रहे, उनका अमल कैसा था और उनकी हैसियत क्या थी। तो उनका अमल और उनकी हैसियत में शिया हज़रात की कुतुब से ख़ुद बयान कर चुका हूँ कि आइम्मा अतहार अहले बैत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम मूसा काज़िम, ये सारे उनको कितने बुलंद दर्जा शुहदा डिक्लेयर करते रहे हैं। उनका दर्जा बड़ा आला था। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चश्मे फैज़ान से, चश्मे विलायत से आप यूँ समझे दो नमूने पैदा हुए, एक हसनी नमूना और एक हुसैनी नमूना। यानी मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो शाहजादे इमाम हसन मुज्तबा और इमाम अली मुकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दो पैकरान अलवियत वजूद में आए। तो दोनों ने अलग अलग नमूने दिए,
इमाम हसन मुज्तबा ने मुसालहत का रवैया, यानी हुक्मराना ने वक्त से न टकराना और उम्मत में तफरका से इज्तनाब के लिए खामोशी इख्तियार कर लेना, उन्होंने यह रवैया दिया। और सैयदना इमाम हुसैन करमल्ला वजुल करीम ने यजीद को ललकारा, उसके जो नवाही थे, मुनकरात थे इस्लाम के खिलाफ, जो उसके कुफरिया आमाल थे और जुल्म था और खयानत थी और बददियानती थी और जबर था और इस्लाम की अकदार को पामाल करने का अमल था यजीद का, उनको ललकारा और अब मैदान जिहाद में आए और न सिर्फ खुद शहीद हुए बल्कि 72 तन अहले बैत अतार के शहीद हुए और आपके असहाब के। तो दो नमूने, एक अम्र बिल मारूफ और नई अनिल मुनकर के तहत, एक हुसैनी नमूना कि जहां बुराई देखी तो मैदान जिहाद में, मैदान कारजार में उतर आते, और एक हसनी नमूना कि उम्मत में तफरका और इंतशार को बचाने के लिए अगर कुछ काम खैर के हो रहे हैं, जैसे कि बनू उमैया और बनू अब्बास के दौर में, ये नहीं कि सारा शर रहा, बहुत खैर के काम हुए, इस्लाम की फुतुहात का सिलसिला जारी रहा बनू उमैया ही के दौर में, बनू अब्बास के दौर में भी इस्लाम की फुतुहात हुई, बहरी फुतुहात हुई, लाहौर तक लश्कर इस्लाम लाहौर की सरहद में 41 हिजरी में हजरत मुआविया का दौर था, बनू उमैया का पहला साल, उनके इक्तदार में लाहौर की सरहदों में इस्लाम के जो मुजाहिद थे और फौजी दाखिल हुए। तो सो यह अमल फिर जारी रहा, आगे बिलाद रूम और बिलाद शाम की फुतुहात होती रही, जो खिलाफत राशिदा के अंदर इस फुतुहात इस्लाम का अमल शुरू हुआ था, इस्लाम के गलबा का, इस्लाम की तमकीन का, इस्लाम के फरोग का, इस्लाम के इस्तेकाम का, इस्लामी फुतुहात का और जाबिर जालिम दुनिया के शहनशाहियत के खात्मा का, वो अमल जारी रहा बनू उमैया के अदवार में। फिर सिस्टम वजा होते रहे, जो खिलाफत राशिदा ने जिन सिस्टम्स का आगाज किया वो वजा होते रहे, मुख्तलिफ निजाम बनते रहे, नई से नई ईजादात हुई। फिर बनू अब्बास के अदवार में फिर इल्म मुंतकिल हुआ, पूरी दुनिया के तराजम हुए, इंस्टीट्यूशंस बने, इस्लाम में इल्म को, हिकमत को फरोग मिला, हदीस की कुल तमाम अहदीस, उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अमवी उमवी थे, उनकी काविशों से पूरी दुनिया से हदीस नबवी जमा हुई, सारी दुनिया क़यामत तक उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु के एहसान की मरून मिन्नत है, ये काम हो रहे थे साथ ही साथ। तो जहां जाती तौर पर शहनशाहियत या वरासत शुरू हो गई थी और उसमें अच्छे बुरे किरदार के लोग अदल बदल करके आते थे, वहां बतौर सिस्टम के एक तसलसल था, उसमें खैर भी जारी थी, अदालतों में आमतुन नास को अदल इंसाफ भी मिलता था, अगर करप्शन है तो मुक्तदिर तबके में है, हुक्मरान में है, अय्याशी है हुक्मरान में है, मगर अवाम को हुकूक मिल रहे थे, उनको अदल मिल रहा था, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत थी। यह बनू उमैया ही का दौर था जब कराची सिंध में दीबल के मुकाम पर एक बच्ची की इज्जत लुटी थी और मोहम्मद बिन कासिम उस एक बच्ची की इज्जत के दिफा के लिए सिंध की सरजमीन दीबल पर आए थे। इसी बनू, यानी इसी दौर में फिर आगे मुस्लिम बिन कुतैबा स्पेन तक गए, इसी दौर में फिर वस्ती एशिया की रियासतें इस्लाम की फुतुहात में, वहां तमक्कुन हुआ, यानी इस्लाम दाखिल हुआ था यूरोप में, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, मगर वापस आ गए थे, छावनी कायम नहीं हो सकी थी। मगर दोबारा बनू उमैया के दौर में जब गए हैं तो उस वक्त जाके तारिक बिन ज़ियाद के दौर में जाके इस्लाम का की तमकीन हुई है, मुस्तहकम हुआ है, मुस्लिम बिन कुतैबा के जमाने में जाके इधर बनू ये वस्ती एशिया में, तुर्कमानिस्तान में इस्लाम का इस्तेकाम हुआ है और मोहम्मद बिन कासिम के जरिए हिंद में फरोग हुआ है, तो फरोग इस्लाम भी हो रहा था। फिर पूरी दुनिया से तराजम हुए, फिर ये तमाम जो उलूम और फनून मुरतब हुए बनू उमैया और बनू अब्बास के अदवार में हुए, तो उलमा की हौसला अफजाई भी थी, इल्म भी फरोग पा रहा था, अदल और इंसाफ भी था।
फिर सूफिया औलिया सोलहा उनके अंदर जाती जिंदगी में कोई रुकावट नहीं थी, दुनिया में तोसियात हो रही थी, इस्लाम का झंडा शर्क था गर्ब लहरा रहा था, एक दबदबा था। और इन्हीं अदवार में बनू उमैया और बनू अब्बास के अदवार में लोग गैर मुस्लिम सल्तनतों से, यूरोप के लोग इस्लाम से, उनके सुफरा आके इस्लाम से अपने सर्टिफिकेट्स लेते थे। ये जो बगदाद और नैशापुर और दिमश्क और फिर स्पेन के अंदर कुर्तुबा और गरनाता और फिर बगदाद और फिर ईरान फिर मक्का मुअज्जमा फिर मदीना तैयबा और ये सारे खित्ते जो थे, ये निजामिया यूनिवर्सिटियां बनी, मेडिकल कॉलेज बन रहे थे, सारी साइंसेस डेवलप हुई, पूरी दुनिया में इल्म का सिक्का रवा हुआ। ये पूरा दौर बनू उमैया और बनू अब्बास का था कि हजार साल तक इस्लामी उलूम व फनून का उरूज रहा, गलबा रहा और सुल्तान रहे साइंस के और उलूम के, मुसलमान साइंसदान पैदा हो रहे थे। तो इस सिस्टम में चूंकि एक रमानी थी, एक सुकून था और मजमूई तौर पर नीचे इस्लाम की खिदमत हो रही थी, इंसानी सतह पर, मुआशरती सतह पर माशी इस्तेकाम हो रहे थे, मुआशरती इस्तेकाम थे, इस्लामी तहजीब और सकाफत को फरोग मिल रहा था, इल्म व फन को फरोग मिल रहा था, इंस्टीट्यूशन बढ़ रहे थे, इजादात हो रही थी, पूरी दुनिया में फतुहात का सिलसिला जारी था, एक ये गोशा था। इसलिए कई आइम्मा अथार अहले बैत ने हसनी रवैये को अपनाया। वो इमाम है जो 12 इमाम जिनको कहते हैं, इमाम जैनुल आबिदीन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक, ये जो 9 इमाम बाद में आए, इन्होंने चैलेंज करके मैदान में नहीं गए, नहीं ललकारा, इन्होंने कहा कि चलो सारे काम शर के नहीं हो रहे। एक पहलू है कि जो निजाम सल्तनत है वो अकल इस्लाम की अता करदा अमरुम शूरा बैनोम की बजाय वरासत में मुंतकिल हो गया है, खिलाफत राशदा से तरीक तयीन हाकिम का बदल गया है कि नया खलीफा कैसे मुकर्रर हो, नया हुक्मरान कैसे मुकर्रर हो, जानशीनी आ गई है और फिर सादगी वो नहीं रही, अय्याशी आ गई है और जज्बे इखलास के वो नहीं रहे, उसमें कोई बड़ा बड़ा उरूज आ गया, जिंदगी बड़ी मुतमवल हो गई। तो ये गोशा हुक्मरानों की जिंदगी का या तख्त नशीनी का जरूर गलत है, नाजायज है, मगर एट द सेम टाइम अगर 10 पहलू गलत हैं तो 90 पहलू दीन इस्लाम की खिदमत के भी हो रहे हैं, या 25 पहलू कह लीजिए गलत हैं तो 75 पहलू दीन इस्लाम की खिदमत के हो रहे हैं। और ये वही दौर हैं जिन पर आज उम्मत मुस्लिमा फख्र करती है कि दो बर्रे आजम और दो समंदर इस्लाम की सल्तनत में थे। फिर इसी की तौसियात आगे दोबारा जब सल्तनत का उरूज हुआ है खिलाफत उस्मानिया में, तो खिलाफत उस्मानिया में भी यही सूरत ही तो थी, जानशीनी थी, औलाद को जानशीन बनाते थे और बड़ी शहनशाना जिंदगी थी, खराबियां उसी जैसी थी, मगर जहां खराबियां उस जैसी थी वहां एट द सेम टाइम इस्लामी सल्तनत बनू उमैया बनू अब्बास के अच्छे दौर में, फिर उस्मानिया तुर्कों की सल्तनत में दबदबा पूरी दुनिया पर, आज वो ताकत अमेरिका को रशिया को पुराने जमाने में हासिल नहीं थी जो रूए जमीन पर इस्लाम की सल्तनत को हासिल थी। पूरे 2 समंदर ओशंस और 3 बर्रे आजम इस्लाम के अंदर थे, एशिया बर्रे आजम पूरा और यूरोप और 3 समंदर 3 ओशन, ये इस्लाम की सरहदों के अंदर थे और तीसरा बर्रे आजम अफ्रीका मगरिब तक। इतनी इस्लाम की सल्तनत इन्हीं की वजह से फैली थी, अफवाज थी, लश्कर थे, कोई इस्लाम की सरजमीन पर कोई बड़ा जाबिर हाथ नहीं उठा सकता था। ये हुक्मरान थे जब सलाहुद्दीन की जंगें हुई और अलकुत्स दोबारा 200 साल की जंगों के बाद आजाद हुआ है, ये वही दौर चल रहे हैं, बनू अब्बास के दौर थे, अलकुद्स आजाद हुआ है। तो अगर इस्लाम के खिलाफ कोई आंच आती तो ये हुक्मरान अपनी अफवाज भेजकर इस्लाम की हिफाजत करते। तो आइम्मा अतहार ने 2 नुक्ता नजर थे, बाजों का ख्याल था कि जहां खराबी है, फिस्क फजूर है, मुनकरात हैं, तो उन मुनकरात को मर्रा मिनको मुनकरन फल युगैर हो बेदही, उन मुनकरात को रोकने के लिए अहले बैत अतहार ही के कुछ लोग और आइम्मा और बड़े बुजुर्ग हस्तियां उस जिहाद के लिए अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को फल युगैरों में यदही के तहत ये उसवा हुसैनी पर अमल करके मैदान में निकलते थे। तो उनका अमल भी उसवा हुसैनी के तहत दुरुस्त अमल था। और कुछ लोग वो 75% या 80% जो खैर के काम इस्लाम के हो रहे थे जिनका मैंने जिक्र किया, और इस्लाम का दुनिया में एक दबदबा था, एक रोब था और आलम में कुफ्र दबा हुआ था और इस्लाम की एक अजमत थी और इल्म फरोग पजीर हो रहा था,
उसको पेश नजर रखते हुए फिर वो खामोश रहते थे कि अंदर की जंग और जिदाल से अदम इस्तेकाम होगा, अंदर का इंतशार होगा, हुकूमतें कमजोर होगी और इनकी कमजोरी की वजह से ऐन मुमकिन है गैर मुस्लिम ताकतें फिर वो कब्जा हासिल कर लें और वो इस्लाम के इलाके इस्लाम की सल्तनत से निकलने लग जाएं, दूसरे ताकतवर हो जाएं। कुछ लोग इस हिकमत को सामने रखते, ये मिसाल है उसवाए हसनी की जो अइमा अथार अहले बैत जो मारूफ इमाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम अरस अस्करी तक ये इस रविश पे रहे और फिर अपने इल्म के फरोग में तात में तकवा में परहेजगारी में उम्मत को रुश्द हिदायत देने में गुमराहियों से निकाल कर नूर की तरफ लाने के अमल में मसरूफ हो गए। इन्होंने ये फ्रंट संभाल लिया, ये वही फ्रंट है, इन पर इल्जाम इसलिए नहीं आता, ये वही फ्रंट है जो इमाम आजम अबू हनीफा ने संभाला, जो इमाम मालिक वो जिहाद पर नहीं गए, उनका जिहाद इल्म का जिहाद था, उनका जिहाद उम्मत को हिदायत देने का जिहाद था। इमाम शाफी हैं, इमाम अहमद बिन हंबल हैं, जब कोई कलिमा कुफर का हुआ आवाज बुलंद कर दी हक की, और वरना बिल उमूम अपने उस महाज पर रहे जो इल्म का महाज था, खिदमत दीन का महाज था, इशात दीन का महाज था और फरोग दीन का महाज था और उलूम का महाज था और रुश्द हिदायत का महाज था। तो लिहाजा दोनों तरह के उसमें ये सुन्नत थे, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत में भी दोनों चीजें मिलती हैं। आपने कुफार और मुशरिकीन के साथ सुलह हुदैबिया में ट्रीटी पीस भी किया है, अमन का मुहदा भी किया है, नो वार पैक्ट भी किया है, यहूद के साथ मदीना में आकर हिजरत मदीना के बाद मिसाक मदीना की शक्ल में आपने लड़ाइयां खत्म करके अमन के मुहदे भी किए हैं, तामुन भी किए हैं, खामोश भी रहे। उस तामुन का मतलब यह नहीं था कि हुजूर ने यहूद को अच्छा जाना माजल्ला या मुशरिक काफिर कबाइल के लिए राय बदल गई, ना, उम्मत के फरोग के लिए इस्लाम के फरोग के लिए बेहतर मसदीनी मसलियतों के लिए खामोशी भी रखी, एक यह भी सुन्नत थी जिसको मैंने कहा उसवा हसनी की सूरत आगे चली। और जब जिहाद हुए हैं बद्र उहद और हुनैन और अहजाब तो उसवा हुसैनी भी है, लिहाजा अहले बैत अथार की जितनी बरगुजीदा हस्तियां जिनके दो तर्ज़ाए अमल आते हैं जहनों में इश्काल नहीं होना चाहिए, एक तर्ज हुसैनी पे रहा एक तबका, एक तर्ज हसनी पे रहा, एक ने जहां शर देखा उसके खिलाफ कलमे हक बुलंद करने और मैदान अमल में निकल के जिहाद करने को फर्ज जाना, सो उन्होंने भी फरीजा दीन अदा किया, वो शहीद हुए, वो इमाम थे अपने वक्त के, यानी रहबरों रहनुमा मुक्तदा थे। और दूसरों ने खैर के इज्तिमाई पहलू को देखकर जुज़वी जो शर पैदा हो गया था देखा कि शर कम है और उम्मत के हक में खैर का हिस्सा ज्यादा है, लिहाजा उस वजह से खामोशी रखी ताकि उम्मत में इंतशार पैदा ना हो, इस्तेकाम रहे और इस इंतशार का फायदा कहीं आलम कुफर ना उठा ले। सो उनका उसवा और उनका तर्ज अमल भी दुरुस्त था, वो भी इमाम थे। तो ये मैंने अर्ज किया कि अगला मौजू चूंकि नया शुरू हो रहा है जिसका ताल्लुक बराह रास्त हकीकत खिलाफत व इमामत से और खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, तो उससे कबल मैं इस बहस को कंक्लूड कर लूं ताकि किसी एक के तर्ज अमल के बारे में भी शिकवा या कोई इख्तिलाफ या कोई एतराज़ जहनों में पैदा ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें सही मारिफत दीन की और अहले दीन की और आइम्मा दीन के अमाल की अता करे। وما علينا إلا البلاء ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان